एक ऐसे भाई बहन का जोड़ी है जो गेम खेलने में सबसे बेस्ट होते हैं। वो लोग इतने ओवरपावर्ड होते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में उनके लेवल का कोई नहीं होता है। तो गेम की दुनिया के गॉड ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं और वो उनसे कहते हैं, अगर तुम दोनों भाई बहन मुझे मेरे गेमिंग वर्ल्ड में हरा दो तो मैं तुम्हें वहां का गॉड बना दूंगा, लेकिन मेरे वर्ल्ड में हर एक चीज गेम से चलती है तो तुम्हें मेरे अपने वर्ल्ड में आना पड़ेगा। तो ये दोनों इसकी बात मानते हैं और इसके न्यू गेम वर्ल्ड में जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद इन लोग को सबसे पहले लगता है शौक, क्योंकि ये दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। तो अब ये लोग इसके अंदर गॉड को कैसे हराएंगे, जो कि खुद किसी भी गेम में आज तक नहीं हारा है। चलिए देखते हैं। ये स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर्स की, जो है शीरो और सोरा। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक बहुत खतरनाक फाइट चल रही होती है, जहां पे एक लड़की के ऊपर 4-5 लोग हमला कर रहे होते हैं। ये फाइट के अंदर सबने बहुत सारे आर्मर पहन के रखे होते हैं, लोग बंदूक से हमला कर रहे होते हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है यहाँ पे। और इसमें जो ये हमारी ब्लू कलर की गर्ल होती है, उसका हेल्थ बहुत फटाफट कम हो रहा होता है, उसके ऊपर बॉम्ब पे बॉम्ब फट रहे होते हैं। इसके बाद एक हीरो जैसा बंदा हवा में जंप मारता है और वो उसके स्वॉर्ड से इस ब्लू गर्ल को खत्म कर देता है। उसी वक्त ये बोलती है कि ये जो 4 कैरेक्टर्स जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, ये लोग कहलाए जाते हैं ब्लैंक, क्योंकि ये लोग हमें इस नाम से हराते हैं जिसमें इनका कोई नाम ही नहीं होता है। तो उसी वक्त इस लड़की को एक वाइट बाल वाला बंदा बोलता है कि ब्लैंक वही लोग हैं जिन लोगों ने हम 1200 लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर हरा दिया है। ये लोग डेफिनेटली कोई ना कोई चीटिंग तो कर ही रहे हैं। तो ये ब्लू गर्ल बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद चीटिंग कर रही थी लेकिन इन लोगों ने मुझे मेरे चीटिंग पे भी हरा दिया। इसका ये मतलब है कि ये लोग या तो बहुत पावरफुल है इस गेम के अंदर, या तो ये लोग इस गेम के क्रिएटर्स हैं और मुझे इन लोगों से प्यार हो गया। ऐसा बोल के यहाँ पे पागलों जैसे नाचने लगती है। तभी हमें दिखाते हैं कि स्क्रीन के उस साइड पे असल में होते हैं एक भाई और एक बहन की जोड़ी। तो जो हमारा भाई होता है वो असल में 18 साल का होता है और उसका नाम होता है सोरा, क्योंकि ये हमेशा सोता ही रहता है। और उसकी जो बहन होती है उसका नाम होता है शीरो। ये शिनचैन वाली शीरो नहीं है, ये एक 11 साल की लड़की है और ये इसकी बहन है। हमें ये भी मालूम पड़ता है कि इन दो लोगों ने मिलकर टोटली उन 4 कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया था, क्योंकि इसकी जो बहन होती है शीरो वो अपने पैरों से खेल रही थी। भाई इतना स्किल किसके अंदर कैसे हो सकता है यार, ये अपने पैर से एम कर रही थी। फिर उसकी बहन बोलती है कि हम लोग पिछले 4-5 रातों से लगातार खेल रहे हैं तो मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा बोल के वो सो जाती है और उसका भाई फिर अपने 2 हाथ में माउस पकड़ता है और 2 माउस पैर में पकड़ता है और वो अकेले ही 4 कैरेक्टर्स को चला रहा होता है। तुम लोग गेम के पीछे इतना पागल कैसे हो सकते हो कि भाई तुम लोग 4-5 रातों से लगातार खेल रहे हो। ऐसे ही थोड़ा टाइम और गेम खेलता है कि उतने में इन लोग के फोन पे एक मैसेज आता है, जहां पे इन लोग को एक गेम में कोई तो बंदा चैलेंज करता है और बोलता है कि तुम लोग अगर इतने पावरफुल सिबलिंग्स हो तो तुम लोग मुझे इस गेम में हरा के दिखाओ। तो ये लोग थोड़ा शॉक होते हैं कि इस बंदे को मालूम कैसे पड़ा कि हम लोग सिबलिंग्स हैं। हम लोग इसका गेम खेल के देखते हैं। जैसे ही लोग लिंक पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि सामने होता है एक चेस का गेम। तो ये देख के हमारा सोरा बोलता है कि अरे बहन तुम गेम खेलो क्योंकि चेस में तुम मुझसे अच्छी हो। तो उसकी बहन बैठती है कंप्यूटर पे और वो चेस खेलना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि हर एक चेस के गेम में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है जिससे तुम्हारा जीतना हमेशा पक्का होता है। ऐसा बोल के वो उसका गेम स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे जैसे वो लोग गेम में आगे बढ़ते हैं तो उनको ये मालूम पड़ता है कि जो इनका अपोनेंट है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो कुछ टाइम बाद ये लोग आराम से गेम जीत जाते हैं और बोलते हैं कि ये गेम एक्चुअली टफ था। लेकिन उसके ठीक बाद इन लोग को एक और मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें कोई ऐसी दुनिया में रहना है जो तुम्हारे इस दुनिया से लाखों गुना अच्छी हो, जहाँ पे हर एक चीज एक गेम की तरह ही हो और उस दुनिया में तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होगा लोगों से मिलने का या कुछ भी उनके साथ इंटरेक्शन करने का। तो ये सब देख के हमारे कैरेक्टर्स बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सच है यार कि इस गेम में हम लोग को एक मेल आया है कि अगर कोई ऐसी दुनिया हो जिसके अंदर हम लोग गेम ही खेलते रहें तो हम लोग इस दुनिया में जाना चाहेंगे। जैसे ये लोग ऐसा बोलते हैं तो इनके आसपास सब स्क्रीन ब्लैंक होने लगती है और अजीब से ग्लिच होने लगते हैं और उसके बाद इनके सामने वाले स्क्रीन में से एक हाथ बाहर आता है और वो इनको पकड़ के अपने अंदर लेके जाता है। फिर ये लोग हवा में गिरने लगते हैं। उसी वक्त हमारे तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है जिस बंदे ने अपने मुंह पे एक दिल का टैटू बना के रखा होता है। कौन अपने मुंह पे टैटू बनाता है भाई? किसको लगता है कि भाई अगर तुमने मुंह पे टैटू बनाया तो तुम कूल लगोगे? देखो हाथ में टैटू बनाना, पीठ पे टैटू बनाना, पैर पे टैटू बनाना, बॉडी के किसी पार्ट पे टैटू बना लो भाई, वो अच्छा दिखता है। लेकिन मुंह पे टैटू क्यों बनाते हो भाई? तुम गधे जैसे दिखते हो, प्लीज ऐसा मत करो। अनलेस तुम एक रैपर हो और तुम्हें रैप करना पसंद है तो भी वो अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों रैपर लोग ऐसे अपने मुंह पे टैटू बनाते हैं। ये बंदा इनको बोलता है कि ये यहां का गॉड है और तो और इस दुनिया में 10 रूल होते हैं। मैं इन 10 के 10 रूल के बारे में आपको नहीं बताऊं क्योंकि ये सब बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। रूल ये होता है कि आप किसी को भी मर्डर या उसको मार नहीं सकते हो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस दुनिया में तो आपको वो गेम खेल के ही पूरा करना है और जो भी ये गेम जीत जाएगा सामने वाले बंदे को उसकी बात माननी पड़ेगी। और हर गेम में आपको कोई ना कोई चीज का ऊपर बैट लगाना है और ये जो होगा ये दोनों लोगों में एक बराबरी का बैट होना चाहिए। इस दुनिया में टोटल 16 रेसेस है और तो और हर एक चीज गेम के ऊपर ही डिटरमाइन करेगी। तुम इस गेम में चीटिंग नहीं कर सकते हो। अगर तुमने चीटिंग किया और तुम पकड़े गए तो तुम ऑन द स्पॉट हार जाओगे। और सबसे आखिरी रूल ये होता है कि तुम्हें हमेशा मजे लेने हैं इस गेम के। ये भाई इन लोग को ये सब रूल बोलता रहता है और ये दोनों हवा में से गिर रहे होते हैं। ये लोग इनकी जान की बाजी लगा रहे होते हैं और धड़ाम से जमीन पे गिरते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं लगता है। उसके बाद हमारा गॉड
गॉड बोलता है कि मैं यहाँ का गॉड हूँ और मैं तुम लोग से मिलूंगा कुछ टाइम बाद। फिर ये भाई बहन खड़े होते हैं और देखते हैं कि इनके सामने एक ब्यूटीफुल दुनिया होती है, जिसको देख के ये लोग 2 मिनट शॉक में होते हैं, क्योंकि इनके ठीक सामने से एक बड़ा सा ड्रैगन उड़ के निकलता है। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे हम यहाँ कहाँ आ गए यार, लेकिन अगर ये एक गेम वाली दुनिया है तो हम लोग इस गेम को जीत सकते हैं। वेल फिर इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारा सोरा होता है वो असल में एक बंदे से गेम में जीत गया होता है और उसने उसके सारे कपड़े पैसे वैसे सब कुछ ले लिए होते हैं और वो उससे इस दुनिया के हिस्ट्री के बारे में जान रहा होता है, जहाँ पे उसे ये मालूम पड़ता है कि इस दुनिया में बहुत साल पहले 16 रेसेस रहते थे और उनमें बहुत झगड़ा होता था, यहाँ तक कि गॉड्स में भी बहुत झगड़ा होता। तो उनमें से जो सबसे टॉप पे गॉड आया था, गॉड टेक्ट करके, ये गॉड ने एक रूल निकाला कि अब से सब कुछ गेम के ऊपर ही होगा। और वैसे ही ये 10 के 10 रूल बने और हर एक चीज गेम के भरोसे पे चलती है। तो इस दुनिया में तुम किसी को भी मार नहीं सकते, उससे कुछ चोरी नहीं कर सकते, तुम्हें अगर किसी से बदला लेना है तो तुम्हें उसको गेम में हराना पड़ेगा। आई मीन एक तरह से देखा जाए तो यार ये दुनिया बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्राइम व्राइम बहुत कम होता होगा, है ना। वेल हमें मालूम पड़ेगा। वेल उसके बाद सोरा और तो और शीरो यहाँ पे इन तीनों लोग को नागड़ा छोड़ के निकल लेते हैं और ये तीनों लोग बेचारे रोते हुए रहते हैं। आई मीन तुम्हारे दो दुनिया में हो और तुम्हारे दुनिया में 2 लोग बाहर से यार तुम्हारे पास चोरी करके निकल गए और तुम कुछ नहीं कर पाए, भाई कितने बदनसीब है ये साइड कैरेक्टर। वेल उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे दोनों के दोनों मेन कैरेक्टर सिटी में घुसते हैं। वहां पे उनको एक येल्लो बाल वाली आंटी से मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक गेम चल रहा है, जहाँ पे ये लोग डिसाइड करने वाले कि अगला किंग कौन बनेगा इस पूरे के पूरे कंट्री का। वो बोलती है कि ये जो हमारा किंग था उसे कार्ड का गेम बहुत पसंद था, तो उसने बोला कि जो नेक्स्ट किंग बनेगा वो भी ये कार्ड के गेम में फर्स्ट आएगा, उसी को हम लोग नेक्स्ट किंग बनाने वाले हैं। मीनवाइल असल में जो किंग की ग्रैंड डॉटर होती है वो यहाँ पे एक लड़की के साथ गेम खेल रही होती है और वो उसके सामने बहुत बुरी तरीके से हार रही होती है। वेल इसके बाद शीरो बोलता है इस येल्लो बाल वाली आंटी को कि आंटी मेरे को तुम्हारे साथ गेम खेलना है और आपको पता है कि गेम खेलने के लिए हम लोग को सेम लेवल की चीज को बैट पे लगाना होता है, तो जो आपके पास पैसे हैं मैं उसको चाहता हूँ और इन रिटर्न में आपको दूंगा मेरी और मेरी बहन की जिंदगी, तो क्या आपको ये रूल्स पसंद आए। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पसंद है। फिर इसके बाद ये दोनों के दोनों लोग प्लेज लेते हैं। ये प्लेज जैसे ये लोग लेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि जैसे ही जो बंदा गेम हारेगा उसको जीतने वाले की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का रूल है और ये रूल को आप तोड़ नहीं सकते हो। ये बोल के ये दोनों लोग प्लेज लेते हैं अशेंटे। वेल उसके बाद ये लोग इनके पत्ते काटते हैं और ये आंटी बोलती है कि मैं यहाँ पे आराम से जीत जाऊंगी, क्योंकि वो चीटिंग कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे शीरो और सोरा दोनों ही अपना दिमाग लगा के बैठे रहते हैं। वो लोग देखते हैं कि आंटी के पास एक फुल हाउस होता है। अब फुल हाउस क्या होता है, जहाँ पे आंटी के पास नंबर 10 होगा कार्ड में, जोकर होगा, जोकर नहीं होगा मतलब जैक होगा, क्वीन होगी, किंग होगा और एक एस होगा, मतलब ये पूरी चीज सीक्वेंस में होगी, इसको बोलते हैं फुल हाउस। तो आंटी बोलती है कि मैं जीत चुकी हूँ। लेकिन उसी वक्त हमारा सोरा बोलता है कि आंटी असल में मैं जीता हूँ क्योंकि मेरे पास है रॉयल फ्लश। अब रॉयल फ्लश क्या होता है, ये होता है कि सबका सब सेम कलर का होगा, लाइक इसके पास सबके सब स्पेड्स के थे, स्पेड्स का एस, स्पेड्स की किंग, स्पेड्स का क्वीन, स्पेड्स की जैक और तो और स्पेड्स का नंबर 10। यहाँ पे हर एक चीज सेम कलर का होता है और आप रॉयल फ्लश के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे सोरा जीत जाता है और उसको आंटी के पैसे मिल जाते हैं। वेल इसके बाद सोरा चाहता है और वो एक रेंट वाले जगह पे एक रूम मांगता है रेंट पे और वो उस बंदे से भी जीत जाता है 4 दिन के लिए रेंट पे और वो उसको सिर्फ 1 दिन का पैसा देता है। मीनवाइल जब वो जाता रहता है तब वो देखता है कि यहाँ पे जो किंग की डॉटर होती है वो हार रही होती है इस बंदी से, तो वो देखता है कि ये बंदी असल में चीटिंग कर रही है और उसको मालूम पड़ता है कि असल में क्राउड में एक और लड़की बैठी हुई है जो कि एक मैजिक यूज करके इसका हेल्प कर रही है। फिर ये चल के जाता है हमारी ये रेड बाल वाली बंदी के पास और इसको बोलता है कि तुम हारने वाली क्योंकि तुम्हारी जो ओपोनेंट है वो चीटिंग कर रही है, ऐसा बोल के ये यहाँ से निकल लेता है। वेल इसके बाद वो अपने रूम में बैठा होता है और बोल रहा होता है ये नई दुनिया बहुत अच्छी है और यहाँ पे लोग मैजिक यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, तो हमें इस दुनिया को कॉन्कर करना चाहिए, है ना मेरी बहन। तो इसकी बहन बोलती है हाँ भाई, ऐसा बोल के वो उसके बगल में लेट जाती है। लेकिन तभी उसकी बहन बोलती है यहाँ पे ना नेटवर्क है ना कोई गेम वेम खेल सकते हैं हम लोग, हमारा तो हम क्या करें इस दुनिया में। वो बोलता है कि वो तो हम खुद डिसाइड करेंगे। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम पे इनके डोर पे कोई तो ठक ठक करता है और ये होती है हमारी वही किंग की ग्रैंड डॉटर, जिसके सारे के सारे कपड़े भी इसने हार गई होती है और ये सिर्फ एक तौलिया पहन के यहाँ पे आई होती है और ये बोलती है क्या मैं आपके पास थोड़ा टाइम बैठ सकती हूँ। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, और हमारा गोल है कि हमें साल के एंड के पहले 150,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और तो और चैनल भी ग्रो होगा, जिससे आप लोग को ऑलमोस्ट हर दिन एक एक वीडियो देखने का मौका भी मिलेगा। तो कर दो ना सब्सक्राइब। और इस वीडियो का लाइक गोल है सिर्फ 2 लाइक्स। यस लाइक गोल बहुत मुश्किल है मैं जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या हम इस वीडियो पे 2 लाइक पा सकते हैं। वेल अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वेल फिर इनके रूम में आने के बाद ये बंदी सोरा को बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें पहले से ही पता था कि वो चीटिंग कर रही है तो तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। अगर तुम मुझे पहले ही बोलते कि वो चीटिंग कर रही है और कैसे चीटिंग कर रही है तो मैं उसको पकड़ लेती। तो सोरा बोलता है कि देखो मेरा इसमें कोई लेना देना है ही नहीं, और रूल नंबर 8 ये बोलता है कि जब तक तुम सामने वाले को चीटिंग करते हुए ना पकड़ो तब तक वो बंदा चीटिंग कर सकता है, तो ये सब तुम्हें देखना चाहिए था, मैं तो बस तुमको वार्निंग दी। और वैसे भी ये एरिया का जो किंग है वो एक नंबर का गधा है, क्योंकि उसने ऐसा कैसे रूल रख दिया कि भाई कोई भी इस किंगडम का किंग बन सकता है अगर वो गैम्बलिंग में जीत गया। तो ये सुन के हमारी इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। ये बोलती है कि इसका नाम है स्टीफन डोला और ये
लिए उसकी ग्रैंड डॉटर है और तुमने उसके दादाजी के बारे में गलत बात बोली, इसके लिए वो गुस्सा होकर सोरा के ऊपर हमला करने के लिए आती है। लेकिन सोरा यही चाहता था, वो इसको बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मेरे साथ एक गेम खेलो, रॉक पेपर सिजर का। लेकिन मैं न सिर्फ पेपर ही डालने वाला हूं, तो अगर तुम्हें मुझसे जीतना है तो तुम सिजर ला के जीत जाओगी। लेकिन एक चीज और है, अगर तुमने रॉक डाला तो मैं जीत जाऊंगा और अगर तुमने पेपर डाला तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर गेम ड्रॉ हुआ तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, है ना? नहीं, जीत मेरी होगी, तुम्हें मुझसे जीतना ही है। अगर मैंने ड्रॉ किया या मैं गेम जीत गया तो मैं जीतूंगा, टाई नहीं होना चाहिए। तो वो अपना दिमाग लगाती है, बोलती है कि मेरे पास जीतने के 8 चांसेस है और इस बंदे के पास जीतने का सिर्फ 1 चांस है, तो मैं तो आराम से जीत जाऊंगी। ऐसा बोल के वो रेडी होती है इसके ऊपर जीतने के। लेकिन वो बोलती है ये बंदा क्या 100% पेपर ही करने वाला है, क्योंकि इसने मुझे बोला है ये पेपर करे, लेकिन झूठ भी बोल सकता है। फिर ऐसे ये लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं और उसके बाद ये लोग अशंटे बोलते हैं। तो ये लड़की को लगता है कि ये डेफिनेटली जीत जाएगी, क्योंकि इसका जीतने का चांस 2 में से 3 है और हारने का चांस सिर्फ 1 में से 3 है, तो ये आराम से जीत जाएगी और ये बंदा सिर्फ पेपर ही कर सकता है। लेकिन इसको लगता है कि नहीं, ये मेरे दिमाग में घुस रहा है और ये मुझे शायद से खेड़ा बना रहा है। उसके बाद ये लोग गेम खेलते हैं और हमारा सोरा पेपर की जगह पे रॉक करता है और बोलता है कि मैं जीत गया, इसका ये मतलब है कि मैंने रॉक डाल के जीता हूं, तो ये गेम एक तरह से टाई हो चुका है। वेल, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि अगर ये टाई होता तो मैं जीतता हूं, तो अब मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि तुम मुझे रहने के लिए एक जगह दो, और तो और मेरा जो लिटिल फेवर है वो ये है कि अब से तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओगी। तो ये बंदी बोलती है तुम ये क्या बात कर रहे हो। वेल, इसके ठीक बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये इसीलिए बोला क्योंकि रूल नंबर 6 ये बोलता है कि जो भी बंदा जीत जाएगा और वो जो कमांड देगा सामने वाले को वो कमांड फॉलो करना ही पड़ेगा, और अब जब तुम मेरे प्यार में पागल होगी तो तुम मुझे तुम्हारे घर में रहने के लिए जगह भी दोगी, और तो और तुम्हारे किंगडम का सारा पैसा भी दोगी, क्योंकि तुम तो एक तरह से प्रिंसेस ही हो ना। तो फिर ये देख के उसकी बहन बोलती है कि भाई तुम इतने डेस्परेट क्यों बन रहे हो, अगर तुम्हें इसका पैसा चाहिए तो तुम इसको बोल सकते कि तुम्हारे पास जो भी सामान है तुम मुझे वो सब दे दो, लेकिन तुमने इसे तुम्हारे प्यार में पड़ने के लिए बोला है, इसका ये मतलब है कि तुम थोड़े थरकी हो रहे हो भाई। तो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है बहन, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, ऐसा बोल के वो अपनी बहन को देख के अपना सर पीट रहा होता है। वेल, उसके बाद उसकी बहन उसके बारे में थोड़ी बहुत उल्टी चीजें बोलती है, तो वो अपनी बहन को ठीक करने के लिए उसको पकड़ के हक करता है। लेकिन हमारी ये प्रिंसेस दीवार खोल के बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हो सकती हूँ। लेकिन इसके ऊपर वो रूल का असर हो रहा होता है, तो इसको हमारा सोरा बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है, तो ये खुद को बहुत रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये रोक नहीं पाती और ये सोरा के प्यार में पागल हो जाती है। वेल, फिर इसी मौके का फायदा उठा के सोरा की बहन शीरो उसको एक लात मारती है और बोलती है कि जाओ तुम तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड को पकड़ लो। तो हमारा सोरा गलती से उसके ऊपर गिरता है और इधर कुछ फिजिकल सीन हो जाता है जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो ये सीन थोड़ा ब्लर होगा। लेकिन इस सीन से बचने के लिए हमारी प्रिंसेस उसको एक लात मारती है और ये बंदा रूम के बाहर गिर जाता है। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि जब भी सोरा और शीरो एक दूसरे से 5 मीटर के डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये दोनों के दोनों पता नहीं क्यों एकदम से पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये लोग एकदम से डर जाते हैं और रोने लगते हैं। सोरा बाहर रो रहा होता है और शीरो अंदर ही अंदर पागल हो रही होती है। तो इसके बाद ये दोनों वापस से अपने पास आते हैं और एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इसकी बहन नहा रही होती है, तो सोरा उसके बगल में बैठा होता है एक दीवार के पीछे और वो अपने फोन में कुछ न कुछ चीजें देख रहा होता है। लेकिन वो उसी मौके का फायदा उठा के अपने फोन को सरका देता है और इस वक्त वो एकदम से डोरेमोन की तरह दिख रहा होता है। वेल, वो बोलता है कि अरे मेरी स्टीफान, क्या तुम मुझे मेरा ये फोन लाके दे सकती हो? तो हमारी गधी वाली रेड गर्ल इसका फोन उठा के सोरा को दे देती है। तो उसकी बहन यहाँ पे अपने हाथ से थोड़े बहुत इमेजेस बनाती है जो कि मैंने ब्लर करके रखे हुए हैं। वेल, इसके बाद इसकी बहन एक प्रिंसेस की तरह कपड़ा पहन के आगे आती है और सोरा भी अपने फॉर्मल कपड़े में आगे आता है, तो स्टीफान को तो उससे वापस से प्यार हो जाता है। तो अपने आप को रोकती है और बोलती है कि नहीं, मैं इसके प्यार में नहीं गिर सकती हूँ, ऐसा बोल के वो यहाँ पे एक जोजो वाला रेफरेंस करती है। तो अगर आपने जोजो देखा है तो आपको ये समझ जाएगा। वेल, इसके बाद वो अपनी जान बचा के बाहर भागती है और वो सोरा के लिए चाय बनाती है एकदम से प्यार में। लेकिन वो अपने आप को रोकने के लिए अपने दीवार को वापस से पीटती है और उसके सर से बहुत खून निकल रहा होता है, पर ये एक एनिमे है तो अगले ही सीन में उसका सर भी ठीक हो जाता है। उसके बाद वो जाती है और सोरा को वापस से चाय दे देती है। तो फिर सोरा मस्त बुक पढ़ते पढ़ते उससे बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि तुम मुझे यहाँ के रेस के बारे में बताओ। तो वो बोलती है कि जो यहाँ की रेस होती है उसका नाम है ह्यूमैनिटी। तो बोलता है अच्छा, मतलब ये ह्यूमंस ही तरह ही है और बस इसका नाम ह्यूमैनिटी हो गया, यहाँ पे इन लोगों ने एच को साइलेंट कर दिया है। फिर वो उसको बोलती है कि ये जगह पे असल में 10 प्लेजेस होते हैं, यहाँ पे टोटल 16 रेसेस है, हर एक रेस में सबसे कमजोर रेस है ह्यूमैनिटी। नंबर 1, नंबर 2 रेस यहाँ पे बहुत ऊपर है, नंबर 7 पे आते हैं एल्व्स, 14 पे आते हैं वॉर बीस्ट, 16 पे आते हैं साइरेंस, और जो नंबर 1 और 2 पे है उनकी तो हम बात करते ही नहीं क्योंकि वो लोग का मैजिक पावर एकदम अलग ही लेवल पे है, और नंबर 16 पे आती है ह्यूमैनिटी, जिनके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है और हम लोग सबसे कमजोर है। वेल, तो उसी वक्त हमारा सोरा बोलता है कि अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि जो उस लड़की की उस वक्त हेल्प कर रही थी वो शायद से एक एल्फ थी। इसके बाद सोरा और तो और शीरो लाइब्रेरी में बैठते हैं और यहाँ पे शीरो हर एक बुक पढ़ पढ़ के 5 मिनट के अंदर यहाँ की पूरी लैंग्वेज सीख लेती है। तो ये देख के तो भाई हमारे स्टीफान की हालत टाइट हो जाती है। वो बोलती है तुमने इतने फटाफट ये सब कैसे किया? तभी उसको रियलाइज होता है कि जब से ये दोनों भाई बहन यहाँ पे आए हैं तब से ये दोनों यहाँ पे बैठ के पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और इस एरिया के बारे में जान रहे हैं। वेल, इसके बाद ये लोग जानते हैं यहाँ के प्रीवियस किंग के बारे में, जिसको बोलते हैं द फुलिश किंग, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ गैम्बल करता रहता था और हमेशा वो हारता रहता था। तो ये सुनकर ये बोलता है कि ये किंग इतना पागल क्यों था, वो हमेशा ऐसा क्यों करता था।
उसने यहाँ तक कि अपने खुद की लैंड को भी गवा दिया था। तो फिर सोरा पूछता है कि अजय मुझे स्टीफन तुम ये बताओ क्या तुम इम्यूनिटी से प्यार करती हो? तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं इम्यूनिटी से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं कुछ ना कुछ तुम्हारी हेल्प करूंगा। मीनवाइल हमें दिखाते हैं यहाँ पे जिस लड़की ने इसको हराया होता है वो नेक्स्ट क्वीन बनने वाली होती है और उसका कोरोनेशन का सेरेमनी होने वाला होता है। तो यहाँ पे आती है और हमारी स्टीफन को उसके पुराने कपड़े देते थे और बोलते कि तुम ये कपड़े पहन लो क्योंकि ये तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें दिया था, तुम भी उनकी तरह एक गिरी हुई क्वीन बनने वाली थी इसलिए मैं तुमको रोक दिया और मैं खुद क्वीन बनने वाली हूँ। तो सोरा यहाँ पे आता है और बोलता है तुम ये कपड़े मत पहनो जब तक मैं तुम्हें ये जीत के वापस नहीं दूंगा। ऐसा बोल के वो कपड़ा उठाता है और वो हमारी इस पर्दे वाली लड़की को देता है और बोलता है की अब मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलने वाला हूँ क्योंकि तुम अब तक क्वीन तो बनी नहीं हो। वेल इसके बाद वो अपनी बहन को बोलता है की बहन अभी हम एक गेम खेलेंगे और इस जगह के किंग बनने वाले हैं। वेल ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है और वो हमारे स्टीफन को बोलता है स्टीफन तुम जाओ और मेरे लिए थोड़ी सी कुकीज बनाओ। और वो अपने फोन में अपना पहला गोल लिखता है कि आई वॉन्ट टू बिकम द किंग ऑफ दिस नेशन। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पर्दे वाली बंदी होती है वॉयलेट बाल वाली इसका कोरोनेशन सेरेमनी चल रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे जज बोलता है कि देखो अभी भी आप में से किसी के पास मौका है कि किसी को इसको चैलेंज करना है गेम में तो वो यहाँ पे आके कर सकता है। इसके बाद ये हमारी क्वीन बन जाएगी। उसी वक्त सोरा यहाँ पे आता है और बोलता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है मैं इसको चैलेंज करता हूँ। तो ये सब देख के पहले तो ये पर्दे वाली बंदी बोलती है कि अरे क्या हुआ तुम तुम्हारी दोस्तों को यहाँ पे लेके आई हो ऐसे वैसे। फिर यहाँ पे आने के बाद सोरा बोलता है कि देखो ये जो बंदी हमारे साथ है इसने असल में एक एल्फ को यूज किया था ये गेम जीतने के लिए, ये एक चीटर है। तो वो बोलती है कि अरे मैं तो चीटर नहीं हूँ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो उसी वक्त सोरा अपना फोन में उसको फोटो दिखाता है और बोलता है कि देखो ये प्रूफ है और तो और वो एल्फ हमारे बीच में ही है। तो स्टीफन जाती है और वो उस लड़की का हुड नीचे करती है तो हमें दिखता है कि उसके कान पॉइंटेड होते हैं। सब लोग उसको बोलते हैं अरे इसका ये मतलब है कि इसने चीटिंग किया है। लेकिन उसी वक्त ये हमारी पर्दे वाली बंदी बोलती है कि नहीं नहीं ये इस बंदी को तो मैं जानती ही नहीं हूँ, अगर तुम्हें इससे कुछ इशू है तो हम लोग इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। वेल इसके बाद वो गेम को सिलेक्ट करती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ लेकिन इसके बाद गेम मेरे मर्जी का होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जिसको चैलेंज करते हो वो बंदा अपने मर्जी का गेम और रूल्स बना सकता है तो तुम रेडी हो ना? तो हम हमारे हीरोज बोलते हैं ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद गार्डन में बैठने के बाद हमारे हीरोज स्टीफन से बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि अगर वो एल्फ इसके साथ होती तो ये पूरा किंगडम खत्म हो गया होता क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि वो एल्फ इसको पकड़ के रखती और इसको क्वीन बनने देती, उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करके इसको कंट्रोल करती और फिर वो एल्फ नेशन के साथ तुम्हारे इम्यूनिटी वाले नेशन को कंबाइन कर देती और उसके बाद एल्फ यहाँ पे आते और वो तुम्हारे एरिया को ले लेते। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी पर्दे वाली लड़की अपनी एल्फ दोस्त से बात कर रही होती और उससे पूछ रही होती कि हम लोग इस एरिया को कैसे बचाएंगे और अभी हमें कैसे जीतना है। वेल इसके बाद सोरा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग के लिए गेम जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों भाई बहन आज तक कोई गेम नहीं हारे हैं क्योंकि ब्लैंक कभी नहीं हारता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्दे वाली बंदी होती है इसने अपने रथ में सोरा शीरो और तो और हमारी स्टीफन को बैठाया होता है और यहाँ पे वो अपना ज्ञान बांट रही होती है इनको। वो बोलती है कि तुम मेरी बात मान सकते हो, हम लोग हारने नहीं वाले हैं, वो जो मेरी एल्फ है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और तो और मैं क्वीन बनने के बाद उन लोग को अपना राज नहीं दूंगी, तुम टेंशन मत लो। और वो ये भी बोलती है कि देखो वो कहीं से भी मेरे ऊपर मैजिक यूज कर सकती है तो मैं तो जीतने ही वाली हूँ तो तुम लोग यहाँ पे हार मान के निकल जाओ। तो हम हमारे हीरोज जोजो के रेफरेंस बोलते हैं नहीं हम तो हार नहीं मानने वाले। भाई ये एनिमे कितना ऑसम है, इसके अंदर ये लोग बार बार जोजो के रेफरेंस यूज कर रहे हैं। वेल अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जोजोस एनिमे कवर करूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि भाई जोजोस एनिमे कवर करो। वेल फिर इसके बाद ये दोनों भाई बहन बोलते हैं कि हम तो तुमसे हार नहीं मानने वाले हैं और हम तुम्हें चैलेंज करेंगे। ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद स्टीफन इनको बोलते हैं कि तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी, वो तो बोल रही थी कि वो पूरे राज का ध्यान देगी और तो और वो इस किंगडम को एल्फ को नहीं देने वाली है। तभी हमारा हीरोज बोलते हैं कि अरे तुम गधी हो क्या, देखो वो हमसे डर रही है और उसे पता है कि वो हारने वाली है तो तुम टेंशन मत लो कि अगर उसको लगता कि वो जीतने वाली तो वो हमसे बात करती ही नहीं। वेल फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इन लोग का गेम स्टार्ट होने वाला होता है और यहाँ पे इन लोग का जो गेम होता है वो होता है चेस का गेम। लेकिन ये गेम थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे जो चेस के पीसेस होते हैं उनके अपने खुद के फ्री विल भी होते हैं। इससे क्या होने वाला है ये आपको थोड़ा में पता चलेगा। तो चेस देख के हमारा सोरा बोलता है कि ये गेम तो मेरी बहन खेलेगी लेकिन हाँ मैं और मेरी बहन हम दोनों एक ही प्लेयर में काउंट होते हैं। ऐसा बोल के वो पता नहीं क्यों हमारी ये पर्दे वाली बंदी का एक फोटो लेता है, जब से ये इससे मिला तब से कम 500 फोटो तो ले लिए हैं। वेल इसके बाद ये दोनों के दोनों बोलते हैं अशेंटे और ये लोग इनका गेम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी शीरो अपना गेम स्टार्ट करती है और पहले पीस को आगे भेजती है। वेल ऐसे ही एक एक करके इनका गेम बढ़ रहा होता है और सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है। तभी ही हमारा सोरा बोलता है कि देखो हमारी जो बहन है ना वो डेफिनेटली जीत जाएगी, वो चेस का अब तक कोई भी गेम नहीं हारी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वेल लेकिन उसी वक्त कुछ होता है, जब वो अपने नेक्स्ट पीस को कमांड देती है तो उसका पीस आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि वो उसके सामने वाले हॉर्स से डर रहा होता है। तभी वो बोलती है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे खुद के पीसेस के भी अपने अपने विल है तो वो लोग तुम्हारी बात मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। तो अभी गेम में एक्चुअल ट्विस्ट आ गया है। वेल शीरो यहाँ पे मल्टीपल पीसेस को बोलती होती है कि तुम आगे बढ़ो लेकिन उसमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो उसका टाइम कट रहा होता है। मीनवाइल जो हमारे सामने पर्दे वाली बंदी होती है वो एक एक करके इसके एक एक पीस को मार रही होती है। वेल उसके बाद शीरो रोने लगती है, वो बोलती है कि मुझसे ये नहीं हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मैं हारने वाली हूँ। तभी सोरा अंदर आता है और वो जोर से चिल्ला के बोलता है
अटेंशन मेरे सारे के सारे सोल्जर्स, ये फाइट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी क्वीन के लिए है। जरा प्यार से देखो अपनी नई क्वीन को, ये शीरो तुम्हारी क्वीन बनने वाली है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्वीन वो पर्दे वाली बंदी बने जिसने अब तक कुछ नहीं किया लेकिन तुम लोग को सिर्फ एक जंग में रख दिया है? नहीं ना, तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्वीन एक ऐसी लड़की बने जो कि तुम्हारा ध्यान देती है, वो तुम्हारे लिए रो रही है। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? अपनी क्वीन के लिए आगे बढ़ो। तो जैसे ही वो ये स्पीच देता है वैसे ही सारे के सारे कैरेक्टर्स का मोरल बूस्ट होता है और वो लोग लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तो इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे ये उन लोग को मोरल बूस्ट कर रहा था। इसके बाद ये सारे के सारे कैरेक्टर्स धड़ाधड़ हमला करना स्टार्ट करते हैं और हमारा सोरा बोलता है कि ओए लड़की, मैं तुझे जीतने का मौका देने ही नहीं वाला हूँ। एक असली वॉर में तू सामने वाले के लिए वेट नहीं करती कि सामने वाला अपना चाल चले, मैं मेरा चाल चलता रहूंगा। तो एक एक करके इसके बंदे यहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं, किंग क्वीन सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सोरा फिर से बोलता है कि देखो, एक असली किंग और क्वीन भी इस वक्त बैटल में आ चुके हैं और सामने वाले जो लोग हैं वो लोग एक नंबर के डरपोक हैं। उनके किंग और क्वीन उनके कैरेक्टर्स के पीछे छुप रहे हैं, तो तुम लोग तो इनसे नहीं हार सकते हो, तुम लोग के अंदर ज्यादा पावर है। तो ये सुन के ये लोग के अंदर और पावर आती है। उसी वक्त वो इनको दिखाता है कि देखो तुम्हारी असली क्वीन, तुमको जिसके बारे में देखना है, ऐसा बोल के वो शीरो का चेहरा इन लोग को दिखाता है। और ये देख के तो भाई सब लोग तो 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। और अभी ये लोग जो लड़ते हैं भाई, एक एक करके ये लोग एनिमी टीम को काटना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को हील कर रहे होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि इन लोग के ऊपर एल्फ ने अपना मैजिक करके रखा होता है। ये फाइट ऐसे ही चल रही होती है और शीरो और सोरा जीत रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त एल्फ अपना मैजिक एक्टिवेट करती है और जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं ब्लैक वाले, वो लोग और स्ट्रांग बन जाते हैं। और वो लोग जिस जैसे ही व्हाइट व्हाइट कैरेक्टर को टच करते हैं तो वो लोग भी ब्लैक में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये बोलते हैं ये क्या हो गया, क्या तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी वो अपने सारे के सारे प्लेयर्स को पीछे बुलाता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए तो एनिमी टीम के बंदों को टच मत करना, वो लोग चीटिंग कर रहे हैं और हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त शीरो हार रहा होता है। फिर उसी वक्त जो एनिमी टीम की क्वीन होती है वो आगे आती है और वो इनके टीम के किंग को मारने ही वाली होती है। लेकिन इस बीच में हमारा सोरा गेम में जंप मारता है और वो क्वीन को पटाने की कोशिश करता है। बोलता है क्वीन तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मुझे एक किंग को मारोगी जो तुम्हारे सामने तुम्हारी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है? और यहाँ पे तुम्हारे किंग को देखो, वो दूर बैठ के तुम्हें जंग में भेज रहा है। तुम अपनी जान की बाजी एक ऐसे इंसान की लगा रही हो? तुम मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो भाई ये क्वीन उसके प्यार में पागल हो जाती है और वो अपने आप को चेंज करती है और फिर वो ब्लैक से कन्वर्ट होके इन लोग के साइड को ज्वाइन कर लेती है। तो भाई इस बंदे ने इस वक्त दो दो व्हाइट वाली क्वीन संभाल ली है। ये एनिमी टीम के लोगों को अपने पास लेके आ रहा है, भाई क्या ओपी कैरेक्टर है ये। फिर इसके बाद हमारी पर्दे वाली बंदी गुस्से में बोलती है कि अरे घोड़े तुम उस एनिमी ट्रेडर क्वीन को मारो। लेकिन जो घोड़ा होता है वो रोने लगता है, वो बोलता है कि मैंने जिस क्वीन को इतने टाइम से अपनी क्वीन मारा था मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। फिर इसके बाद शोरा और तो और शीरो दोनों ही मस्त जंप मारते हैं और बोलते हैं अब तो हम जीत ही जाएंगे। फिर इसी मौके का फायदा उठा के हमारा सोरा बोलता है कि देखो हॉर्स, तुम्हें तुम्हारा ये जो पागल किंग है वो तुम्हारी क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए बोल रहा है, उस क्वीन को जिसको तुमने इतने सालों से अपनी सर्विस दी है, ये तुम्हें अपने खुद के लोगों को मारने के लिए बोल रहा है। तो ये सब देख के उनका हॉर्स रोने लगता है और उसके साथ ही साथ उसके आसपास के हीरोज भी रोने लगते हैं। इसके बाद ये 4-5 चेस पीसेस रेड में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि ये लोग असल में रिवोल्ट कर रहे होते हैं इनके अगेंस्ट। और अब ऐसे ही यहाँ पे दो टीम लड़ रही होती है इनके अगेंस्ट। ओ भाई अब तो ये हमारी बंदी गई, ये पर्दे वाली बंदी तो गई। उसी वक्त हमारी ये स्टीफान को उसका एक बैक स्टोरी याद आता है, जब उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला होता है कभी ना कभी कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो कि सारे ऑड्स के अगेंस्ट लड़ के तुम्हें जीत के दिखाएगा, उसी बंदे को यहाँ का किंग बनना चाहिए। इसके बाद रेड टीम और तो और व्हाइट टीम लड़ रही होती है ब्लैक टीम के साथ, जहाँ पे बहुत कम कैरेक्टर्स बचे होते हैं। तो तभी हमारा सोरा बोलता है कि देखो हमें फाइट नहीं करना है, हम लोग शांति से ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन उस वक्त ब्लैक का किंग एकदम से पागल होता है और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही ब्लैक का किंग आगे बढ़ता है लड़ने के लिए, वैसे ही उसका आर्मर खुद ही फूट जाता है क्योंकि उसके खुद के टीममेट्स उसके ऊपर भरोसा भूल चुके होते हैं और वो वहां पे हार मान लेता है। तो इसी के साथ हमारी ये पर्दे वाली बंदी हार जाती है और जीत जाते हैं ब्लैंक। तो ये देख के तो भाई हमारी स्टीफान एकदम से प्यार में पागल ही हो जाती है सोरा के। इसके बाद ये बोलता है कि स्टीफान तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ग्रैंडफादर हमेशा से यही चाहते थे, है ना। तो ये सुन के हमारी स्टीफान रोने लगती है और बहुत ब्यूटीफुल स्माइल भी करती है। इसके बाद ये पर्दे वाली बंदी यहाँ पे आती है और वो बोलती है कि तुम मुझसे जीत तो गए हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे एल्फ वाले मैजिक को कैसे हराया और तुम इतने आसानी से जीत कैसे गए? तो वो बोलता है कि तुमने ह्यूमैनिटी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो, ऐसा बोल के वो उसके चिन को पकड़ता है और उसको लिटरली किस करने वाला होता है। तो ये देख के हमारी ये पर्दे वाली बंदी बहुत रोती है और ये सीन वो बहुत फनी लग रही होती है। तो फिर शीरो उसके सर पे उसको हेड पैट देती है और बोलती है तुम रो मत, तुम टेंशन मत लो। मीनवाइल गॉड भी ऊपर से नीचे आता है और बोलता है आह, तो मैंने सही लोग को पकड़ के रखा है, इन लोग के साथ फाइनल मैच खेलने में बहुत मजा आने वाला है। मीनवाइल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सोरा और तो और शीरो का कोरोनेशन सेरेमनी हो रहा होता है। तो तभी यहाँ पे प्रीस्ट बोलता है किसी को अगर आपत्ति है तो तुम्हारी आवाज यहाँ पे उठाओ वरना हमेशा के लिए शांत हो जाओ। तो फिर सोरा बोलता है कि हाँ यहाँ पे दो किंग होने वाले हैं, मैं और मेरी बहन। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, किंग
किंग तो एक ही होगा। तो इस बात पे सोरा और तो और शीरो झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं कि कौन किंग बनेगा। असल में ये इन लोग की चाल होती है। तो इस झगड़े के बाद सॉल्यूशन ये निकलता है कि सोरा किंग बनने वाला है और तो और शीरो क्वीन बनेगी। लेकिन इसके पहले ये लोग एक गेम खेलते हैं जो कि 3 से 4 दिन तक चलता है। ये गेम इतना लंबा चलता है कि इस एनिमे के अंदर ये दोनों ऑलमोस्ट बुड्ढे हो जाते हैं। इन लोगों ने कम से कम 3 करोड़ गेम खेल लिए होते हैं यहाँ पे, जिसमें से 1 करोड़ गेम इसकी बहन जीती होती है, 1 करोड़ गेम हमारा भाई जीता होता है और 1 करोड़ गेम यहाँ पे टाई हुए होते हैं। तो ये लोग वापस से बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग हार मानते हैं और हम दोनों ही किंग और क्वीन बनते हैं। मीनवाइल इन लोगों ने हमारी स्टीफान को एकदम से अजीब से मेड वाले कपड़े दे के रखे होते हैं, जो पहनने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे ये कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वो इन लोग के लिए चाय बनाती है और इनको चाय का ट्रे पकड़ाती है। मीनवाइल ये लोग यहाँ पे आने कर बोलते हैं कि यो, अब से हम लोग तुम्हारे हीरोज है, लेकिन हम लोग को ये बात मालूम पड़ी कि तुम लोग में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर के लोगों के साथ मिलजुल के बातें कर रहे हो और तो और नकली बातें स्प्रेड कर रहे हो। तो तुम लोग मेरे साथ अभी एक गेम खेलोगे और उसमें हारोगे मुझसे, ताकि मैं तुम लोग को एक लेज दूं जो तुम लोग तोड़ नहीं सकते हो। तुम में से कोई भी बंदा यहाँ पे नकली बातें नहीं फैलाएगा और तुम लोग को सही सही बात करनी है। ऐसा बोल के वो यहाँ के सारे नोबल लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और तो और तुम में से कोई बंदा हम लोग के बारे में जासूसी भी नहीं करेगा। तो इस दुनिया का रूल होता है कि तुम लोग हारने वाले बंदे जीतने वाले बंदे का कोई भी रूल तोड़ नहीं सकते हैं। और इसी के साथ वो एक झटके में 3 दिन में यहाँ के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। इसके बाद उसको बोर होता है किंग बन के, तो वो किंग का क्राउन निकाल के अपने हाथ में पहनता है। मीनवाइल हमारी पर्दे वाली बंदी यहाँ पे उसकी एल्फ के साथ बैठ के हर एक चीज देख रही होती है। फिर ये लोग पब्लिक में आते हैं और हमारा सोरा एकदम से टेंशन में आता है, क्योंकि उसको बोलने में डर लगता है। लेकिन वो अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और सबको बोलता है कि मेरे प्यारे सिटीजन, अब से मैं तुम लोग को वॉर करने से रोक रहा हूँ। तुम में से कोई भी झगड़ा नहीं करेगा और तुम लोग अभी कभी नहीं हारने वाले हो। मैं इस सिटी को एक बहुत अच्छी सिटी बनाने वाला हूँ, और वो भी कैसे, क्योंकि तुम्हारा जो लास्ट किंग था वो हार चुका था और हमारा रेस अब तक में सबसे लोएस्ट रेस है। लेकिन हम ह्यूमंस के पास एक ऐसी ताकत है कि हम लोग हमेशा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसीलिए मैं इस दुनिया में सबको चैलेंज करने वाला हूँ और मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल बनने वाला हूँ इंसान, और हमारे रेस को एकदम टॉप पे लेके जाऊंगा, तुम इसका टेंशन मत लो। इसी वक्त के लोग हमें यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर दिखा रहे होते हैं और इसमें से एक होती है हमारी पिंक गर्ल। तो भाई मैं इस पिंक गर्ल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मीनवाइल यहाँ पे एक फॉक्स गर्ल भी होती है। ओ भाई, ये एनिमे में तो बहुत मजा आने वाला है। फिर इसके बाद हमारा सोरा बोलता है कि मैं इस सिटी एलकेआ का 205वां किंग हूँ और ये हमारी क्वीन है। इसके साथ मैं ये प्लेज लेता हूँ कि मैं तुम्हारे थ्रोन के ऊपर बैठ रहा हूँ और तुम्हारा नया किंग बन रहा हूँ। उसी वक्त इनके सामने एक किंग का चेस पीस आता है और ये असल में होता है इनका रेस पीस। इनके रेस में जितने भी लोग हैं उन सबके बॉडी के अंदर ये वाला पीस है। फिर इसके बाद सब लोग इसके ताली बजाते हैं और इसकी बोरिंग सी लंबी चौड़ी स्पीच भी यहाँ पे खत्म होती है। लेकिन स्पीच खत्म होने के साथ साथ वो बोलता है कि अभी हम लोग एक वॉर करने वाले हैं अगले नेशन के साथ। तो ये सुन के भाई स्टीफन की तो हवा टाइट होती है। वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे कंट्री को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है तुम टेंशन मत लो स्टीफन, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि हम ब्लैंक कभी नहीं हारते हैं, तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। वेल इसके बाद सोरा और तो और शीरो अपने रूम में बैठ के कुछ न कुछ पढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां पे अचानक से पूरा एरिया चेंज होता है और यहाँ पे गॉड आता है। टेट यहाँ पे आता है और इनसे बात करता है और इनको दूसरी जगह पे लेके जाना चाहता है। बोलता है कि और भाई तुमको इस दुनिया में मजा आ रहा है कि नहीं। तो ये लोग बोलते हैं हाँ वैसे मजा तो आ रहा है और अभी हम लोग वैसे भी यहाँ के किंग बन चुके हैं, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। फिर उसके बाद वो उनको बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें मैं सच बोलूं तो मैं तुम्हें इस दुनिया में इसीलिए आया था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक गेम खेलना था, और वो गेम तुम एकदम एंड में खेल सकते हो जब तुमने पूरे 16 रेसेस को कॉन्कर कर लिया और उनके रेस पीसेस को कमा लिया है। उसके बाद तुम फाइनल गेम खेलोगे मेरे अगेंस्ट, और हाँ तुमने मुझे पहले भले ही हरा दिया हो लेकिन इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि ये वाला गेम बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो फिर सोरा बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर इसके बाद ये गॉड इनको बाय बोलता है और हंसते हंसते यहाँ से निकल लेता है। तभी स्टेप यहाँ पे आती है और बोलती है तुम अभी गॉड से कैसे बात कर रहे थे। तो बोलता है वेल लंबी कहानी है, लेकिन हाँ तुम्हारे गॉड ने ही मुझे इस वर्ल्ड में भेजा है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी स्टीफन होती है वो इन लोग के बारे में सोच रही होती है और चल के नीचे बेसमेंट में आती है। तभी हमें दिखता है कि असल में दोनों भाई बहन यहाँ से निकल के बेसमेंट में सो रहे होते हैं एक मरियल से इलाके में, जहाँ पे एकदम से अंधेरा होता है। भाई तुम कैसे किंग और क्वीन हो, तुम्हारे पास पूरा पैलेस है और तुम लोग वापस से एक छोटे से रूम में आके सो रहे हो, तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले यार। वेल वो यहाँ पे आती है और यहाँ पे सबका सब खिड़की खोल देती है और बोलते तुम लोग यहाँ पे कब से क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है कि देखो हम जब बेड पे सो रहे थे किंग के रूम में तो हमें वो बेड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो बेड बहुत सॉफ्ट है और तो और वो बेड असल में एक साइड थोड़ा झुकता है, तो इसी वजह से मेरी बहन बार बार बिस्तर के नीचे गिर रही थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए और ये अंधेरे रूम में बैठ के सोए हुए थे क्योंकि हम लोग यहाँ के सबसे बेस्ट इंसान है। वेल ये सब सुन के हमारे स्टीफन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो इन लोग को एक गेम में चैलेंज करती है। तो फिर हमारा सोरा बोलता है कि ठीक है तुम मुझे चैलेंज क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या जीतना है इस चीज से। तो बोलती है अगर मैं ये गेम जीत गई तो तुम एक डिसेंट इंसान बन जाओगे। तो सोरा बोलता है कि तुम्हारी बात तो असल में सही है, अगर तुमने ये जीत गई तो मैं डिसेंट इंसान बन जाऊंगा, तो प्लीज स्टेफ तुम एक काम करो, तुम्हारे इस रूल को चेंज करके मुझे डिसेंट की जगह एक खुश इंसान बना दो, मैं मेरी जिंदगी में खुश रहना चाहता हूँ। तो ये सब सुनकर स्टेफ को चक्कर आने लगता है और तभी उसकी बहन उसको नीचे खींच के बोलती है कि ब्लैंक कभी नहीं हार सकता, तो हमें जीतना ही पड़ेगा।
फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लोग अशेंटे बोलते हैं और हमारा जो सोरा होता है वो एकदम से नींद में होता है और बोलता है कि मुझे इस गेम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये बंदी वापस से कार्ड का गेम खेल रही है। तो हमारी स्टेप यहाँ पे एक चीटिंग वाला शफल करती है और वो कार्ड्स को नीचे डालती है। फिर उसको उसके फादर की याद आती है और वो बोलती है कि अब मैं जीत जाऊंगी। यहाँ पे लोग गेम स्टार्ट करते हैं और ये खेलो खेल रहे होते हैं ब्लैक जैक, जहाँ पे जिसका नंबर ज्यादा होता है वो बंदा हमेशा जीतता है। तो फिर इनका गेम चलता रहता है। स्टार्टिंग का गेम असल में धीरे धीरे करके स्टीफन जीत रही होती है, उसे लगता है कि वो जीतने वाली है, लेकिन वो फिर से हार जाती है और वो बोलती है कि तुम ये गेम कैसे जीत गए, ये गेम तो प्योर लक का होता है। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने सारे के सारे कार्ड्स को गिन के रखा था, इसीलिए मुझे पता है कि तुम कब कौन सा कार्ड डालने वाली हो, इसीलिए मैं जीत गया। तो ये देख के स्टीफन रोने लगती है और उसके आंखों से स्केल्स गिर रहे होते हैं। तभी सोरा बोलता है कि अरे स्टीफन तुम तो गधी हो, मुझे ये भी पता था कि तुम कब से चीटिंग वाला शफल कर रही थी, इसीलिए मुझे और आसान हो तुम्हें पकड़ने के लिए। फिर इसके बाद वो बोलती कि मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम जाके उन नोबल लोगों से मिलो जो लोग हमें अपोज कर रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा सोरा इन लोग से जीत चुका होता है और सारे के सारे नोबल नागड़े होकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर उसी वक्त स्टफ बोलते कि असल में जो ये नोबल लोग थे तुमने इनको हराया क्यों, मैं इन लोगों को कंट्रोल में रख रही थी ताकि ये लोग आसपास के नेशन को भी कंट्रोल में रखे और हमारे ऊपर हमला न हो। तो ये सुन के सोरा की हवा टाइट होती है, वो बोलता कि अरे स्टीफन तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही थी और मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे लग रहा था कि तुम अब तक एक गधी लड़की हो, बस तुम्हें इस एनिमे में फैन सर्विस के लिए रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम एक्चुअली इंटेलिजेंट हो। बल्कि सब सुन के स्टफ बोलते कि मैं मेरे स्कूल में बहुत बड़ी टॉपर थी, तुम्हें क्या लगता है मैं तो ग्रेजुएट भी हो चुकी हूँ। तो फिर इसके बाद वो लोग बोलते कि देखो गेम तो मैं जीत गया था, तो इसीलिए अभी तुम्हें हमें यहाँ पे सिटी में लेके जाना है और तुम हमारी डॉग बन के रहोगी। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग सिटी में घूम रहे होते हैं और हमारी स्टेफ को इन लोगों ने डॉग वाले कपड़े पहना के रखे होते हैं और वो इस दिन के लिए डॉग बन के रखी होती है। तो जैसे लोग सिटी में घूमते लोग देखते हैं कि सब लोग स्टेफ से डर रहे होते हैं, तो ये पूछते हैं कि स्टेफ ऐसा क्यों, तो वो बोलते हैं कि तुमने मुझे एक वॉर बीस्ट की तरह बना के रखा है और हमारे ह्यूमंस वॉर बीस्ट से बहुत डरते हैं। तो बोलता है वॉर बीस्ट क्या होता है, तो बोलते हैं कि वो रैंक 14 के होते हैं, वो डॉग वाले एनिमल्स होते हैं। तो ये देख के सोरा बोलता है कि अरे तो क्या इस दुनिया में कैट गर्ल, डॉग गर्ल, फॉक्स गर्ल एग्जिस्ट करते हैं, मुझे इन लोग से मिलना है, प्लीज मुझे बताओ कि इनका रेस कहाँ पे है, मैं जाके इस रेस से फाइट करूंगा और इनको जीत के रहूंगा। तो बोलते कि तुम क्या पागल हो क्या, जो ये डॉग वाला रेस है वो सबसे खतरनाक रेस है, वो लिटरली तुम्हारा माइंड रीड कर सकता है। वेल इसके बाद ये लोग बैठ के एक कोने में डोनट खा रहे होते हैं और बोलते ये डोनट इतना टेस्टी नहीं है, हमें तो स्टेफ का डोनट बहुत पसंद है क्योंकि जो डोनट वो बनाती है वो बहुत स्वीट और टेस्टी होता है। वेल इसके बाद स्टेफ यहाँ पे एक गेम और खेलती है और वो ये गेम खेलती है शीरो के साथ और ये गेम पे वो बेट लगाती है कि कौन इंसान यहाँ से पहले निकलेगा और इस गेम में भी वो हार जाती है। तो उसने इस गेम में बेट पे लगाया होता है अपना अंडरवेयर जो कि हमारी शीरो एक टोपी की तरह पहन के चल रही होती है। वेल इसके बाद स्टेफ उनसे मल्टीपल गेम खेलती है, वो हर गेम में हार रही होती है और एक एक अपने कपड़े हार रही होती है, मतलब भाई वो लिटरली एकदम एंड में पहुंच गई होती है जहाँ पे उसने एक रुमाल को अपने बॉडी के आसपास बांध के रखा होता है और हमारा सोरा जैसे तैसे करके अपनी आंखों को बंद रखता है और शीरो ने इतने कपड़े पहन के रखे होते हैं कि मैं तुमको क्या बताऊं। इसके बाद वो बोलती है कि हम जो लास्ट गेम खेलेंगे वो ये होगा कि उन बर्ड्स में से कौन सी बर्ड यहाँ से पहले उड़ेगी और कितने टाइम बाद उड़ेगी। तो वो बोलता है ठीक है, वो बोलते हैं कि मेरा ये रूल है कि मुझे लगता है ये बर्ड्स यहाँ पे 30 सेकंड तक रुकने वाले हैं, लेकिन सोरा बोलता है नहीं ये सिर्फ 3 सेकंड रुकेंगे, ऐसा बोल के वो उनको पत्थर मार के उड़ा देता है और बोलता है कि देखो स्टेफ तुम एक नंबर की गधी हो, इस दुनिया में कोई भी गेम चांस के ऊपर होता ही नहीं है, हर गेम में तुम कुछ ना कुछ चीटिंग कर सकती हो, जैसे कि एक हमारे पास कार्ड्स का डिब्बा है, उस डिब्बे में अगर मैंने तुमसे कहा तुम मुझे ये बताओ कि एस वाला कार्ड कहाँ पे होगा, तो वो बोलते हैं वो तो कहीं भी हो सकता है 52 कार्ड के अंदर, लेकिन ये बोलता है नहीं अगर मैंने वो डिब्बा नया नया खरीदा है तो वो कार्ड हमेशा पहला ही कार्ड होने वाला है, तुमने मुझसे ये पूछा ही नहीं कि डिब्बा नया है कि पुराना है। इसी तरह से इस गेम में तुम हर एक रूल के बारे में पूछ ही नहीं सकती हो, सामने वाला बंदा कोई भी रूल कभी भी क्रिएट कर सकता है, तुम इसीलिए हार रही हो क्योंकि तुम्हें इस गेम के बारे में पता ही नहीं है, ये जो दुनिया है ये दुनिया बहुत चीटिंग वाली भरी पड़ी है। तो ये सब सुन के हमारी ये बंदी एकदम से टेंशन में आती है, वो बोलती है कि तुम लेकिन वॉर भी से तो लड़ नहीं सकते कि वो लोग तुम्हारा माइंड पढ़ सकते हैं और उनके पास सिक्स सेंस होते हैं। तो सोरा बोलता है तुम टेंशन मत लो, हमने वॉर बीस के बारे में हर एक चीज पढ़ लिया है बुक के अंदर, तो हमें पता है कि हमें उनसे कैसे फाइट करना है, तुम्हारे पास जितनी भी बुक है उसके अंदर वॉर बीस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ह्यूमैनिटी के बारे में लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है। ये लोग यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी इनके ऊपर से एक फैंटाज्म उड़ के जाता है। अब फैंटाज्म क्या होता है, ये होता है रैंक नंबर 2 का रेस और ये रेस का जो एरिया होता है वो असल में हवा में उड़ रहा होता है, हर जगह बर्फ गिरने लगती है और भाई ये सीन बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो इन लोग को लगता है ये कोई एनिमे का रेफरेंस है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे एनिमे वाले रेफरेंस यूज करते हैं लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता है। तो फिर इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि जो फैंटाज्म वाला रेस है इसके ह्यूमंस लोग का नाम क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि उनको बोलते हैं फ्यूगल और यहाँ पे एक फ्यूगल रहती है बगल वाले लाइब्रेरी में, ये लोग सबसे पावरफुल में से एक है। तो हमारा सोरा बोलता है ठीक है हम लोग इससे मिलेंगे और मैं इसको कॉन्कर करने वाला हूँ, ऐसा बोल के ये इनके साथ जाता है लाइब्रेरी में। और तभी हमें अगले सीन में दिखाता है कि जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर घुसता है तो तभी वहाँ पे ऊपर से उड़ते हुए फ्यूगल एक एंजल नीचे आती है और इसके बहुत बड़े विंग्स होते हैं और ये एक तरह से अल्बेडो की तरह दिख रही होती है, जो मैंने वो विलन वाले एनिमे के ऊपर बनाया था उसमें जो अल्बेडो होती है सेम उसकी तरह ये दिखती है, इसके भी विंग्स होते हैं और इसके पास होते हैं पिंक बाल और ये एक प्रॉपर एंजल दिख रही होती है और भाई ये बहुत ब्यूटीफुल भी होती है, मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। ये बोलते हैं कि तुम लोग मेरे लाइब्रेरी में क्यों आए हो, वो बोलती है किंग और क्वीन आप लोग मेरे पास क्यों आ गए इतना जल्दी। तो ये लोग बोलते हैं कि असल में हमने सुना था कि जो फ्यूगल्स होते हैं वो लोग असल में उनको बोला जाता है
कैसे बताऊं आपको, गॉड किलिंग मशीन्स, तो क्या आप सही में एक गॉड किलर हो? तो बोलती है हाँ, पहले के जमाने में तो हम लोग गॉड्स को मारते थे, हर एक चीज को हम मारते रहते थे और हम लोग बहुत स्ट्रांग थे। वो बोलती है कि हम लोग बहुत लोग को मार चुके हैं और हम लोग इतने टॉप लेवल थे कि सब लोग हमसे डरते थे, लेकिन अब इस गेम वाली दुनिया में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और इसीलिए मैं मेरे नॉलेज को बढ़ाने के लिए सिर्फ बुक्स पढ़ती हूँ। तो हमारा सोरा बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेल सकता हूँ और उसमें मैं तुम्हें 40,000 ऐसे बुक्स दूंगा जिसके बारे में तुम्हें कभी पता ही नहीं होगा, वो सब के सब नए लैंग्वेज में होने वाले हैं और तुम्हें बदले में लगाना है अपने इस लाइब्रेरी को। तो वो बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऐसा बोल के वो थूक देती है इनके ऊपर खुशी से 40,000 बुक्स सुन के। तो वो बोलता है कि देखो ये सब के सब बुक्स एक दूसरी दुनिया के है। वो उसको एक टैबलेट दिखाता है और वो टैबलेट देख के उसके मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लगता है क्योंकि वो खुश हो गई होती है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है कि पहले मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा तुम्हारे बॉडी को कि तुम कोई चीटिंग कर रही हो कि नहीं, ऐसा बोल के। हमारी फ्यूगल भी बोलती है कि हां ये बात तो कंफर्म करना है, मुझे भी चेक करना है कि तुम्हारे अंदर मैजिक कहां से आ रहा है, ऐसा बोल के वो उसके बॉडी को टच कर रही होती है। और हमारा हीरो भी इसके पंख को टच कर रहा होता है। इसके मन में कुछ और ही होता है लेकिन असल में कुछ और होता है। यहां पे इस सीन में ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि देखो मेरे जितने भी मैजिक के रिसेप्टर्स हैं वो सब के सब मेरे पंख के अंदर ही है। वेल, इसके बाद ये लोग स्टार्ट करते हैं इनके बैटल को और ये बोलते हैं कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम जो दो लोग हो तुम लोग इस वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करते क्योंकि तुम्हारी बॉडी एकदम से अलग है और ये मेरे लिए एकदम से अननोन है। और ये एकदम से खुश हो गई होती है। वो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम लोग भी इन लोग की तरह गधे ह्यूमैनिटी के लोग हो। फिर वो बोलती है कि अगर तुम मुझे 40,000 बुक दे रहे हो तो मुझे भी इसके बराबरी का कोई चीज देना चाहिए, तो मैं दांव पे लगाती हूं अपने आप को, अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊंगी, ठीक है। वेल, इसके बाद ये लोग एक लिफ्ट में बैठते हैं और ये लोग उतरते हैं इस लाइब्रेरी के एकदम अंदर। यहाँ पहुंचने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग कौन सा गेम खेलने वाले हैं। तो ये बोलते हैं कि ये लोग खेलेंगे मटेरियल वर्ड गेम, जहाँ पे ये लोग किसी भी वर्ड का नाम लेंगे तो वो वर्ड अगर इस रूम में होगा तो वो इस रूम से गायब हो जाएगा, वरना वो इस रूम के अंदर वापस से आ जाएगा, ऐसा बोल के ये लोग बोलते हैं कि ये गेम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। वेल, इसके बाद स्टीफन बोलती है ठीक है तुम लोग ये गेम खेलो, मैं जरा बाहर जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग स्टीफन की बात नहीं सुनते हैं और गेम को स्टार्ट करते हैं और वो बेचारी रोते रोते यहाँ पे फंस जाती है। उसी वक्त हमारा हीरो सोरा बोलता है कि मैं यहाँ पे समन करता हूँ एक हाइड्रोजन बॉम्ब को, और जैसे ये बॉम्ब यहाँ पे गिरता है तो फट जाता है, लेकिन इन लोग के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जिसके वजह से ये लोग बच जाते हैं। वेल, इसके बाद हमारी फ्यूगल भी यहाँ पे एक चीज को समन करती है जिसका नाम होता है बिकलिक्स, और ये चीज असल में एक मैजिक वाली चीज होती है। वेल, फिर ये देख के हमारा हीरो बोलता है कि मैं समन करता हूँ यहाँ पे स्पिरिट सर्किट को, जो कि इस एनिमे के अंदर हर एक कैरेक्टर के मैजिक को कंट्रोल करते हैं, तो इस जगह से अभी कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता है। वेल, फिर ये देख के तो वो उड़ के जाती है सोरा के पास और बोलती है कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, सर मुझे एक किस तो दे दो, लेकिन वो उसे किस नहीं देता है। वेल, इसके बाद ये लोग एक एक करके यहाँ पे एक एक चीज गायब कर रहे होते हैं, लेकिन वो इन लोग को एक बीच पे लेके जाती है। फिर वो हमारी पिंक गर्ल पता नहीं क्यों यहाँ पे इन लोग के कपड़े गायब करना स्टार्ट करती है। फिर यहाँ पे एक एक करके हर एक चीज गायब हो रही होती है, सबके कपड़े भी गायब होते हैं, और ये सब सीन थोड़ा थोड़ा ब्लर्ड होगा क्योंकि मेरे को ये सब सीन को दिखाना नहीं है। वेल, फिर ये लोग बगैर कपड़ों के यहाँ पे इनका मैच खेल रहे होते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों ये लोग गोरिल्ला लेके आते हैं और हमारा जो सोरा होता है वो एक एक करके अर्थ के कोर को गायब कर रहा होता है। वो पहले क्रस्ट गायब करता है, फिर वो मैंटल को गायब करता है, फिर वो आउटर कोर को गायब करता है। तो मुझे इसका प्लान समझ चुका है, ये लिटरली यहाँ पे पूरे पूरे अर्थ को गायब करने वाला है। मीनवेल, हमारी ये जो पिंक गर्ल होती है ये यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स को लेके आती है और हमारी स्टीफन इन सब का खाना बन रही होती है। वेल, ये लोग गेम को थोड़ा और खींचते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है कि अभी भागो, ऐसा बोल के वो ऊपर भागता है और वो गायब करता है यहाँ से लिथोस्फीयर को। और जैसे ही लिथोस्फीयर यहाँ से गायब होता है तो सब कुछ नीचे गिरने लगता है और सब लोग अर्थ के मेन कोर में गिर रहे होते हैं, जो कि होता है वो लावा का बॉल। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे चाल में फंस गई, तुम्हें लगा कि मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ, तुम लोग के कपड़े गायब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, मैं असल में एक एक करके अर्थ के एक एक लेयर को गायब कर रहा था ताकि जो भी बंदा पहले वो कोर में गिरे तो वो इस गेम के अंदर मर जाएगा और वो हार जाएगा और सामने वाला बंदा जीत जाएगा। इस वक्त तुम मुझसे नीचे हो और तुम उड़ भी नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हारे स्पिरिट सर्किट को गायब कर दिया है, तो हम जीत गए। फिर उसके बाद हमारी हीरोइन एक चीज और गायब करती है और इन लोग के स्पीड को स्लो करती है। तो फिर हमारा सोरा बोलता है कि अब मैं गायब कर रहा हूँ ऑक्सीजन को, ऐसा बोल के वो ऑक्सीजन गायब करता है। अब कोई सांस भी नहीं ले सकता, लेकिन वो असल में अपनी बहन को माउथ टू माउथ किस करके अपना एयर को चेंज कर रहा होता है। लेकिन हमारी जो ये पिंक गर्ल होती है वो बोलती है कि मैं एयर वापस लेके आ रही हूँ। तो इस वक्त क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत सारा भर जाता है और अगर ऑक्सीजन बहुत भर जाए तो तुम सारा का सारा ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं ले सकते और वो एक पॉइजन बन जाता है। तो इसी वजह से वो वापस से सांस नहीं ले पाती है और वो यहाँ पे अपनी हार मानती है और इसी के साथ हमारे हीरोज ये गेम जीत जाते हैं। वेल वेल वेल, ऐसा नहीं होता है, इनको लगता है कि ये खेलो गेम जीत गए, लेकिन उसी वक्त हमारी ये बंदी अपने फिंगर से हवा में एक नया वर्ड क्रिएट करती है और उसको भेजती है इसके पास। लेकिन ये वर्ड हमारे सोरा ने पहले ही अपने एक बुक में लिख के रखा होता है। वो बोलता है कि अब यहाँ पे एयर नहीं है तो तुम यहाँ पे अपनी आवाज भी नहीं यूज कर सकते हो, और ये हमारी पिंक एंजल आराम से लेट के गिर रही होती है। तो उसी वक्त सोरा दिखाता है कि देखो मैंने ये वर्ड को पहले ही लिख के रखा था, तो इसीलिए ये वर्ड यहाँ से गायब होगा और इसके साथ सिलेक्टेड वर्ड जो मैंने पीछे लिखा हुआ है वो यहाँ पे आने वाला है। और तभी वो एक चीज और गायब करता है और यहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ता है जिसकी वजह से ये बंदी हार जाती है और इसी के साथ हमारे हीरो जीत जाते हैं और ये बड़े से ब्लास्ट में ये लोग खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद वो बोलती है कि हाँ आप तो जीत गए, लेकिन यहाँ पे
हमारी जो शीरो होती है वो वापस से स्टेप को बोलती है कि तुम हमारी डॉग हो तो तुम यहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ। तो बेचारी स्टेप यहाँ पे डॉग की तरह बैठ जाती है। वेल, लेकिन इसी वक्त सोरा उसके सर पे उसको हेड पैट देता है और बोलता है कि तुम्हारे वजह से हम जीत गए। तभी एंजल नीचे आती है और बोलती है कि अब से तुम लोग मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हारी सारी की सारी बात मानूंगी। तो फिर सोरा बोलता है कि देखो, भले ही हम जीत गए लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी लाइब्रेरी देंगे और तो और तुम हमारे बुक्स हमेशा पढ़ सकती हो, बस तुम हमारे लिए हमारी सर्वेंट बन के रहो। तो ये सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है और वो रोने लगता है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक रैंक 6 की फ्यूगल हूँ और मैं मेरे 18 के 18 विंग्स आपको दे रही हूँ। वेल, अब से मैं आपकी सर्वेंट बन चुकी हूँ। मीनवेल हमारी स्टेफ यहाँ पे अभी भी एक डॉग बन के बैठी होती है और नाच रही होती है। वेल, इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी पिंक गर्ल को पाने के बाद ये लोग नहा रहे होते हैं। वेल, ऑफ कोर्स मैं आपको ये सब सीन नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसका ब्लर्ड वर्जन आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ। तो ये सब कुछ ब्लर रहेगा। यहाँ पे हमारी पिंक गर्ल बाथरूम में घुसती है और इनसे कहती है कि आप लोग को मैं थोड़ा सा शैम्पू लगाती हूँ, और फिर ये लोग नहा के निकल लेते हैं। वेल, इसके बाद पिंक गर्ल हमारी स्टीफन को डोरा करके बोलती है और वो लिटरली डोरेमोन बन जाती है इस सीन में। तो ये वाला सीन थोड़ा मुझे फनी लगा था। वेल, इसके बाद वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शायद सच में प्यार करती हो हमारे सोरा से, क्योंकि उसके प्यार का जो मैजिक है वो शायद से तुम्हारे ऊपर से निकल भी चुका है, लेकिन फिर भी तुम 24 घंटा उसके बारे में ही सोचती रहती हो। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी पर्दे वाली लड़की उसकी एल्फ के साथ बात कर रही होती है और वो उसको बोल रही होती है कि जो हमारे ग्रैंड मास्टर है वो शायद से थोड़े से पागल है, क्योंकि उन्होंने ऐसा गेम क्यों बनाया जहां पे इस बंदे को जीतना पड़ गया और उसके बाद अभी वो दूसरे वॉर विश के साथ वॉर करने की बात कर रहा है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहां पे बैठ के हमारा सोरा एक वॉर के बारे में बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि उसका सपना है कि उसे कैट गर्ल्स ही चाहिए, इसीलिए वो वॉर बीस्ट के क्लैन के ऊपर हमला करेगा और इसमें वो लोग हमेशा जीतने वाले हैं क्योंकि ब्लैंक कभी नहीं हारता। और ये सब सुन के हमारी स्टीफन को थोड़ा सा धक्का लगता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारे डोनट्स भी लाई होती है। और जो हमारी पिंक गर्ल होती है वो तो बोलती है कि हम जीत जाएंगे, मेरे मास्टर आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन एक चीज है कि मैं उनसे खुद हार चुकी हूं बहुत बार। फिर वो उनसे कहती है कि असल में जो भी उनसे फाइट करता है वॉर बीस्ट के साथ वो लोग हमेशा हारने के बाद अपनी मेमोरीज भूल जाते हैं कि उनके साथ वो फाइट में क्या हुआ था और वो लोगों ने कौन सा गेम खेला था। ये वॉर बीस्ट का एक रूल होता है क्योंकि हम लोग उनको चैलेंज करते हैं तो रूल्स वो लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। वेल, फिर यहाँ पे ये लोग रॉक पेपर सीजन गेम का एग्जांपल लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें बीच गेम में हरा दिया गया है और फिर तुम्हें याद ही नहीं कि तुमने लास्ट गेम क्या खेला था तो तुम नेक्स्ट गेम में कैसे जीत सकती हो, इसीलिए तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी वाइप होने से तुम बहुत बार हारती रहोगी इनसे। फिर इसके बाद ये लोग चेक करते हैं कि पिछले 10 साल में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसने बार बार वॉर बीस्ट को चैलेंज किया है और वो लोग हारते गए हैं, और वो कंट्री कोई और नहीं ह्यूमंस की कंट्री है, और वो लोग हारते हारते अपने बहुत सारे लैंड भी उनको दे चुके हैं। तो ये सब देख के हमारा सोरा बोलता है कि अरे स्टीफन, तुम्हारे ग्रैंडफादर क्या पागल थे क्या, जब वो हारते ही जा रहे हैं उन्हें इतना तो याद है कि वो हार चुके हैं, बस उन्हें ये याद नहीं है कि वो किस तरह से हारे और उन्होंने क्या गेम खेला, तो वो कंटिन्यू खेलते क्यों गए। वेल, फिर इसके बाद हमारी पिंक गर्ल इन लोग को लेके जाती है उड़ा के एक ऐसी जगह पे जहां पे वो लोग देखते हैं एक बहुत बड़े से टावर को जो कि बिलोंग करता है इस वक्त वॉर बीस्ट को, लेकिन पहले ये टावर बिलोंग करता था ह्यूमंस को और ये टावर हारने के बाद इन लोगों ने वॉर बीस्ट को टावर दे दिया। वेल, यहां पे सब लोगों ने हमारी इस एल्फ की कपड़े को पकड़ के रखा होता ताकि ये लोग उड़ते उड़ते गिरे नहीं, आई मीन हमारी पिंक गर्ल की। वेल, इसके बाद ये लोग शाम में बैठ के प्लान बनाते हैं कि कैसे ये लोग वॉर बीस्ट वाले लोगों से लड़ने वाले हैं। उसी वक्त प्लान बनाते हुए सोरा बार बार हमारी स्टीफन को बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बार बार हार रहे थे तो वो खेलते क्यों गए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चैलेंज क्यों कर रहे थे इसको बार बार, जब वो हार रहे हैं तो उनका कोई ना कोई रीजन तो होगा कि वो उनको चैलेंज क्यों कर रहे हैं कंटिन्यूसली। फिर वो थोड़ा बुरी भली बातें बोलता है और बोलता है कि स्टीफन, तुम मुझसे लास्ट टाइम हार गई थी वो पिजन वाले गेम में, तो इसीलिए तुम्हारा जो पनिशमेंट है वो मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद बताऊंगा। तो स्टीफन यहां से उदास होकर निकल लेती है और वो अपने रूम में रो रही होती है। तभी उसको उसमें एक फूल के पास से एक चाबी मिलता है और उसको एक बैक स्टोरी आता है, जब भी उसके दादाजी ने उससे कहा होता है कि देखो बेटी, जब भी तुम्हें एक ऐसा इंसान मिलेगा जो हमारे पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी रेस को बचा सके तो तुम्हें उसे ये चाबी दे देना होगा। तभी स्टीफन बोलती है कि नहीं, ये चाबी तो मैं सोरा को नहीं दूंगी क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि वो हमें बचा सकता है। वेल, इसके बाद यहां पे हमारी पिंक गर्ल आती है और बोलती है कि स्टीफन, तुम मेरे साथ चलो, हमारे मास्टर लोग कुछ तो इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। मीनवेल जैसे ही यहां पहुंचे तो ये देखते हैं कि यहां पे सोरा और तो और शीरो बहुत सारे बुक्स को पढ़ रहे होते हैं और तो और वो लोग बार बार मैप को देख रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि यहां पे जितनी भी एरिया ह्यूमैनिटी ने हारा है वो सबकी सब एरिया इतने काम की नहीं थी, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है कि किंग ने अपने आप को इतनी बार क्यों हराया और वो रीजन मुझे जानना है, ऐसा बोल के हमारा सोरा अपनी पिंक गर्ल से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि देखो, मुझे इतना पता है कि जो पुराने किंग थे वो गधे तो नहीं थे, उनका कोई ना कोई रीजन इसमें पक्का होगा और मैं वो रीजन ढूंढने वाला हूं। तो ये सब सुनने के बाद स्टीफन को थोड़ा अच्छा लगता है और वो सोचती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं बैक स्टोरी की शीरो और तो और सोरा कैसे मिले होते हैं। जब शीरो 3 साल की होती है तभी सोरा उससे मिलने गया होता है पहली बार। वेल, ये सब सुनने के बाद हमारी स्टीफन रोते हुए खुशी में जाती है सोरा के पास और उसको बोलती है कि सोरा, शायद से तुम वही इंसान हो जिसके बारे में मेरे दादाजी बात कर रहे थे, ऐसा बोल के वो उसको चाबी देती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सोरा उसके किंग के रूम में जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे कहाँ इस चाबी को यूज करना है, ऐसा बोल के वो उसके बेड को खिलाता है, 2-3 चीजें तोड़ता है और उसको एक की होल मिलता है, उसमें वो चाबी डालता है, एक बटन दबाता है और यहाँ पे बुक शेल्फ के पीछे रास्ता खुलता है। फिर उसके अंदर एक और की होल होता है और उसके अंदर वो जैसे ही घुसता है तो वहां पे वो देखता है कि वहां पे एक अलग ही रूम होता है जिसके
अंदर एक बुक लिखी होती है और वो बुक को पढ़ते हुए उसको ये मालूम पड़ता है कि बुक में किंग ने अपनी आखिरी विशेष लिख के रखी थी, जो कि वो चाहता था कि उसके मरने के बाद कोई ना कोई पढ़े। और इसके अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। ये पढ़ने के बाद सोरा को मालूम पड़ता है कि हमारा जो किंग था वो अकेला ऐसा इंसान था जिसकी मेमोरी वॉर बीस्ट ने कभी वाइप आउट की ही नहीं। तो इसका ये मतलब है कि वॉर बीस्ट से हारने के बाद भी किंग के पास उसकी मेमोरी थी। तो वो जानबूझ के हार रहा था उन लोगों से, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि असल में ये लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं और उस गेम को कैसे हराते हैं, ताकि इसके बाद जो किंग आए वो ये गेम जीत सके। तो इसका ये मतलब है कि जो ये हमारा पुराना वाला किंग था ये कोई गधा आदमी नहीं था। फिर ये सब बोलने के बाद सोरा वो बुक देता है स्टीफान को, और स्टीफान वो बुक पकड़ के बहुत रोती है, क्योंकि उसे फाइनली मालूम पड़ता है कि उसके जो दादाजी थे वो इतने बड़े गधे नहीं थे, वो एक कमाल के इंसान थे। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज एक रथ में से बाहर निकलते हैं और वो लोग आए होते हैं इसी बड़े टावर के पास मिलने के लिए वॉर बीस्ट के क्लैन वाले लोगों से। तो यहाँ पे घुसने के बाद वो कहता है कि मैंने असल में ये मीटिंग तब फॉर्म किया जब मैं मेरे रूम से इनको देख रहा था, ये इनके टावर से मुझे देख रहे थे, तो हम लोगों ने इतने दूर से ही अपना मीटिंग ज्वाइन कर लिया। तो स्टीफन अपने मन में बोलते कि ये लोगों ने 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कैसे एक दूसरे को देख लिया। फिर जब ये लोग अंदर घुसते तो ये लोग एक लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट से ये लोग अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। तभी यहाँ के सारे जो वॉर बीस्ट होते हैं वो लोग इनको गुस्से में देख रहे होते हैं। तो उसी वक्त ये लोग को मालूम पड़ता है कि इसका रीजन ये है कि सब वॉर बीस्ट असल में टेंशन में है कि यहाँ पे ह्यूमंस इतने जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि उन लोग को पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। तभी ये लोग बात करते हैं कि कैसे ह्यूमंस और वॉर बीस्ट एक दूसरे में हमेशा कंपटीशन करते हैं कि किसका बिल्डिंग ज्यादा बड़ा रहेगा। और जो हमारी पिंक गर्ल होती है वो तो हमारे ये दादाजी वाले फॉक्स से बहुत गुस्से में बात कर रही होती है और इन लोग की अनबन चल रही होती है यहाँ पे। इसके बाद हमारे सारे के सारे हीरोज बैठे होते हैं एक रूम में और वेट कर रहे होते हैं। तभी स्टीफन इससे पूछते हैं कि तुमने इनसे मीटिंग कैसे की। तो वो अपने फोन में दिखाता है कि मैंने मेरे फोन में जूम करके कैमरा से इसको देखा और मैं समझ गया कि ये दादाजी हमसे क्या बात करना चाहते हैं। उसी वक्त यहाँ पे एंट्री होती है इन लोग के लीडर की, जो कि होती है एक छोटी सी फॉक्स गर्ल। इसको देख के हमारे जो सोरा और शीरो होते हैं वो तुरंत जाते हैं इसके पास और इसको पेट करने लगते हैं। तभी ये बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बदतमीज लोग, दूर हो जाओ मुझसे। तो ये सुन के इन दोनों को बहुत शॉक लगता है। तभी उसके दादाजी वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं, अरे तुम लोग मेरी पोती के बारे में ऐसा मत बोलो, लेकिन अगर तुम में से किसी ने मेरी पोती को टच करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के वो यहाँ पे अपने गीगाचैट वाले फॉर्म में आते हैं। लेकिन ये चीज भी इनको नहीं रोकती, ये दोनों वापस उस लड़की को पेट करने लगते हैं। फिर यहाँ पे बैठने के बाद ये लोग टेबल पे हमारा सोरा सबसे पहले बोलता है कि अभी हम एक गेम खेलना चाहते हैं जिसमें मैं बेड पे लगा रहा हूँ हमारी स्टीफन की अंडरवेयर। तो ये देख के हमारे दादाजी वाले फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते हैं कि तुम ये क्या बेड पे लगा रहे हो। तो हमारा सोरा बोलता है, क्या तुमको पिंक गर्ल का चाहिए कि तुम्हें मेरा अंडरवेयर चाहिए, किसका अंडरवेयर चाहिए तुम्हें दादाजी। तो वो बोलते हैं, मुझे तुम्हें से किसी का भी अंडरवेयर नहीं चाहिए, तो मुझे तुम्हारा अंडरवेयर क्यों दे रहे हो। फिर वो बोलते, चलो अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मेरे कम से कम हाथ तो मिला लो। लेकिन तभी दादाजी देखते हैं कि हमारे जो सोरा होता है उसका हार्ट बहुत फास्ट बीट हो रहा होता है। तो वो बोलता है कि असल में मुझे मालूम है कि तुम लोग झूठ बोल रहे थे, तुम लोग किसी का भी माइंड रीड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे माइंड में कब से कुछ और सोच रहा था और मैंने अंडरवेयर का नाम तो ऐसे ही बोल के रखा था। मैंने मेरे माइंड में बोला था कि मैं असल में बेड पे क्या लगा रहा हूँ, लेकिन तुम उसको रीड नहीं कर पाए। तुम जो रीड करते हो वो ये होता है कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ना। तो इससे तुम्हारा ये रास्ता खुल गया। तो ये देख के तो हमारे दादी वाले वुल्फ बॉय को थोड़ा सा धक्का लगता है। तभी वो बोलता है कि मैं अभी बेड पे लगा रहा हूँ मेरा पूरा का पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन और मैं तुमको एक गेम में चैलेंज कर रहा हूँ, और सामने से मैं चाहूंगा कि तुम भी इस गेम में लगाओ तुम्हारा पूरा का पूरा वॉर बीस्ट वाला सिविलाइजेशन और तुम्हारी पूरी लैंड। फिर वो बोलता है, क्या हुआ दादाजी, आप मेरे साथ का गेम नहीं खेलने वाले, क्योंकि आपको पता चल चुका है मुझे आपका राज मालूम पड़ गया। क्वेश्चन नंबर वन मेरा ये है कि बताओ, हर गेम के बाद तुम लोग हमारी मेमोरीज को निकाल क्यों देते हो। इसका रीजन ये होता है ताकि तुम लोग हमेशा जीतते रहो और सामने वाले बंदे को कभी भी गेम के बारे में कुछ याद नहीं रहे, क्योंकि इसका रीजन ये है कि तुम लोग हमेशा एक ही गेम खेलते हो। और ये गेम कोई ऐसा नॉर्मल गेम नहीं है, ये कोई फाइटिंग गेम नहीं है, ये कोई रॉक पेपर सीजर का गेम नहीं है, न इसमें कोई मैजिक यूज होता है। इस गेम में तुम लोग बहुत चीटिंग करते हो और ऐसा कोई और चीज नहीं है सिवाय एक वीडियो गेम के। और मुझे कैसे पता कि तुम लोग वीडियो गेम खेलते हो, क्योंकि हम लोग भी जिस दुनिया से आए हैं वहां पे वीडियो गेम्स के अंदर तुम कितनी भी चीटिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो गेम वर्ड सुनकर तो हमारी पिंक गर्ल और तो और स्टीफन को कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन हमारे जो उड़ाऊ दादाजी होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे ये सब हमारे प्रीवियस किंग ने बताया, लेकिन हाँ तुम लोगों ने उनसे प्लेज करवाया था कि वो किसी को भी ये सब नहीं बता सकते, लेकिन उनके खत्म होने के बाद ये सब प्लेज काम नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने उनके बुक में ये सब लिख के रखा था। अभी मैं इस चीज को तुम्हारे लिए और एक्साइटिंग बनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ अपने सिविलाइजेशन को यहाँ पे दाव पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ मेरे रेस पीस को भी दाव पे। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये लोग ये मैच हार गए तो उससे क्या होगा कि इनके पूरे रेस वॉर बीस्ट के स्लेव्स बन जाएंगे। तो ये देख के तो सारे के सारे ह्यूमंस लोग का रेस पीस चमकने लगता है, जो कि होता है इनका चेस का पीस। और ये बोलता है, अगर तुमने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि तुम मान रहे हो कि तुम डेफिनेटली चीटिंग करते हो और तो तुम माइंड रीड नहीं कर पाते हो। ये सब सुन के तो भाई हमारे जो बुढ़ऊ फॉक्स दादाजी होते हैं उनकी हवा टाइट होने लगती है और वो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो छोटी बच्ची वहां पे खड़ी होती है और बोलती है कि मैं तुमसे हारने नहीं वाली हूँ, तुम दोनों डेफिनेटली लूजर्स हो और तुम लोग मेरे सामने नहीं जीत सकते हो। इसके बाद हमारा सोरा बोलता है कि मैं तुमको थोड़ा चांस देता हूँ सोचने का कि तुम लोग को ये फाइट करना है कि नहीं। ऐसा बोल के सोरा वहां से अपनी गर्ल्स को लेकर निकल लेता है। लेकिन हमारी जो स्टीफन होती है वो सोरा को बहुत सुनाती है, बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे पूरे सिविलाइजेशन को
दाव पे क्यों लगाया, तुमने हमारे रेस को भी दाव पे लगा दिया, तुम्हें क्या लग रहा है कि हम कैसे रहेंगे, ह्यूमंस का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर। तो सोरा बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम लोग जीतने वाले हैं। फिर ये लोग जाते हैं और सोरा को बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सोरा बोलता है तुम लोग को अब तक समझ में नहीं आया कि इस दुनिया को कैसे हराना है, असल में तुम्हारा जो गॉड है ना टेथ, मुझे उसको हराना है और वो ये चाहता है कि उसको हराने के लिए हम लोग को सारे के सारे पीसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे ह्यूमंस भड़के हुए रहते हैं कि इन लोग के चेस पीस को ये लोगों ने दाव पे क्यों लगाया है। तो इसी तरीके लोग किंग के पैलेस के बाहर बहुत सारे दंगे फसाद कर रहे होते हैं। तभी सोरा अपने निंटेंडो पे गेम खेल रहा होता है और लिखा रहता है डे नंबर 19। यहाँ पे लोग ऐसे ही चिल कर रहे होते हैं कि उसी वक्त यहाँ पे एंट्री होती है एक मिस्टीरियस इंसान की और सोरा बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, ऐसा बोल के वो निकलता है और शीरो को बोलता है शीरो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हमेशा याद रखना है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तो और तुम और मैं एक ही है और ब्लैंक कभी नहीं हारने वाला है, ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है और वो एकदम से क्लिच आउट होने लगता है और वो शीरो के मेमोरी में से गायब होने लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शीरो अपने नींद से उठती है और बोलती है मेरा भाई कहाँ पे गया, ऐसा बोल के वो कोने में रो रही होती है। उसी वक्त वहाँ पे स्टीफन आती है और बोलती है आपका कौन भाई तो था ही नहीं, आप यहाँ पे अकेले ही तो थी। तो ऐसे ही उसके दिमाग से सोरा की सारी मेमोरीज निकल रही होती है और वो स्टीफन को बोलती है स्टीफन सोरा कहाँ पे है, तो बोलती है सोरा ये कौन है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे हमारी शीरो अपने बचपन में अपना फ्लैशबैक देख रही होती है कि वो एक रूम में बैठ के गेम खेल रही होती है और वो हमेशा से अकेली होती है। तभी उस रूम के अंदर एक लड़का आता है जो होता है सोरा और वो उसको देख के सबसे पहले बोलती है कि तुम मुझे ऐसे लग रहे हो कि तुम अपने अंदर ही अंदर एकदम से खाली हो चुके हो। इसके साथ उनका फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर शीरो अपने नींद से उठी है और वो देखती है कि वहां पे उसका भाई नहीं होता है और वो एकदम से कांप रही होती है। फिर उसको धीरे धीरे उसके भाई के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं तो वो भाग के जाती है बेसमेंट में देखने के लिए अपने भाई को, लेकिन वहां पे उसका भाई नहीं होता है, यहां तक कि उसके फोन में भी उसके भाई का नंबर नहीं होता है। तो ये सब देख के एकदम से शॉक हो गई होती है कि इसका भाई गया कहां पे। तभी यहां पे हमारी पिंक गर्ल आती है और बोलती है कि मैम आप इतना टेंशन में क्यों हो, और ये सारा का सारा सीन इस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट में हो रहा होता है। तो वो उससे पूछते कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है, तो हमारी पिंक गर्ल बोलती है कि उसका नाम है शीरो। फिर वो कहती है कि स्टीफन को प्यार में पढ़ने के लिए किसने बोला था, तो वो बोलती है कि वो भी आप ही थी, और ये एरिया का किंग कौन है, तो वो बोलती है कि किंग कोई नहीं है आप यहाँ की क्वीन हो। तो ये सब सुन के शीरो को बहुत शॉक लगता है और ये पूरा सीन ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, इसका ये मतलब है कि ये कोई बैड मेमोरी टाइप सीन बन चुका है। इसके बाद वो शॉक में बैठी होती है और हमारी गर्ल्स यहाँ पे बैठ के सोच रहे होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तभी उन लोग को ऐसा लगता है कि शायद से शीरो ने वॉर बीच के साथ एक गेम खेला जहाँ पे वो लोगों ने शीरो की पूरी मेमोरी को ऑल्टर कर दिया और तो और उसको हरा दिया है। तो हमारी पिंक गर्ल यहाँ पे एक सॉल्यूशन के साथ आती है, वो बोलती है कि प्लीज मिस शीरो आप मेरे साथ एक गेम खेलिए और उस गेम में आप जानबूझ के हार जाना ताकि मैं उसमें बेट ये रखूं कि अगर आप हार गई तो आपकी पुरानी मेमोरीज वापस से आपके पास आ जाएगी। तो हमारी शीरो बोलती है ठीक है। फिर इसके बाद शीरो यहाँ पे बैठ के गेम खेल रही होती है, लेकिन वहाँ पे उसको उसके भाई का फ्लैशबैक आ रहा होता है। वो हर एक मूव खेल रही होती है चेस का और जानबूझ के हार रही होती है, लेकिन हर मूव के बाद जैसे जैसे वो हारने की कोशिश कर रही होती है वैसे वैसे उसके भाई का उसको फ्लैशबैक आता है और एंड में उसका भाई बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम हार क्यों रही हो, हम लोग ब्लैंक है और ब्लैंक कभी नहीं हारता। तो उसको इस चीज से झटका लगता है और वो इस गेम को जीतती है और वो जैसे ये गेम जीतती है और बोलती है कि ब्लैंक कभी नहीं हारता, इस पूरे दुनिया में कलर्स वापस से आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि शीरो के ऊपर जो भी कर्ज लगा हुआ था वो सब यहाँ पे शायद निकल रहा है। वो बोलती है कि नहीं मेरा भाई सच में एग्जिस्ट करता है और वो रियल है। फिर ये देख के तो हमारे स्टीफन बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे शायद से दो लोग थे, तो हमारे साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। तभी वो अपना फोन बाहर निकालती है और चेक करती है कि आज का डेट 21 होता है, तो डेट नंबर 20 कहाँ पे गया। वो इनको बोलती है कि क्या तुम्हें याद है कि हमने कल क्या किया था, तो ये लोग बोलते कल हम नॉर्मली काम किए थे, तो वो बोलती नहीं 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 मेरे बोलने का मतलब है कि हमने दो दिन पहले क्या किया था, आज 21वां दिन है और 19वें दिन के बारे में हमें पता है, 20वें दिन पे हमने क्या किया था। तो ये सुन के सब लोग कंफ्यूज होते हैं और वो लोग सोच रहे थे कि क्या किया था इन लोगों ने। तभी वो आती है और बोलती है कि स्टेफ मुझे कुछ चेक करना है, ऐसा बोल के वो स्टेफ को कुछ तो करती है जो कि मैं दिखा नहीं सकता और बोलती है कि हाँ इससे मुझे ये तो कंफर्म होगा कि स्टेफ अगर मैं तुमसे प्यार कर रही होती और मैंने तुमको मुझसे प्यार करने के लिए बोला होता तो तुम्हें ये चीज बहुत पसंद आती, लेकिन मैं जो तुम्हारे साथ किया वो तुम्हें इतनी पसंद नहीं आया और तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो इसका ये मतलब है कि तुम्हें प्यार करने के लिए किसी और ने बोला था और वो मेरा भाई ही था। फिर इसके बाद हमारी शीरो अपने आप को पूरा फोकस करती है और वो सोच रही होती है कि उसका भाई कहाँ पे है। ऐसी वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है और उसको उसके भाई की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में आ रही होती है धीरे धीरे करके। तो वो अपनी मेमोरी के अंदर और डाइव करती है और वो आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि शायद से हम लोग इस वक्त एक गेम के अंदर है जो गेम मेरे भाई ने स्टार्ट किया था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया था कि यहाँ पे हमारे शीरो और सोरा ने बैठ के एक गेम स्टार्ट किया था हमारी पर्दे वाली गर्ल और तो और एल्फ गर्ल के साथ। यहाँ पे वो लोग ब्लैक एंड व्हाइट चिप्स का गेम खेल रहे थे जिस गेम में उन लोगों ने बैट पे लगाया था एक दूसरे का एग्जिस्टेंस और एक दूसरे की मेमोरी। ये गेम असल में पर्दे वाली गर्ल और तो और सोरा ने अपने बीच में लगाया था। तो इस गेम में जो भी बंदा पहले हारेगा वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज और हर एक चीज भूल जाएगा और वो इस एग्जिस्टेंस से गायब हो जाएगा, ऐसा इनका बेट था। क्योंकि असल में उसको यहाँ पे चाहिए थी एल्फ गर्ल की ताकत नेक्स्ट गेम जीतने के लिए। तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि दाव पे तुम तुम्हारी एल्फ गर्ल को लगाओ और मैं दाव पे लगा रहा हूँ मेरी पिंक गर्ल को और तो और मेरी बहन को और ये हमारी जो कर्मचारी लड़की है इसको भी। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में हल्की हल्की आती है हमारे शीरो की। तभी वो नींद से उठती है और वो बोलती है कि जिब्रील जो कि हमारी पिंक गर्ल का नाम होता है क्या तुम्हें पता है एल्फ्स के बारे में। तो एल्फ का नाम सुन के हमारी पिंक गर्ल थोड़ा सा गुस्से में आती है क्योंकि उसे एल्फ्स बिल्कुल नहीं पसंद।
रहे। तो बोलते क्या एल्फ लोग कोई ऐसा गेम खेल सकते हैं जिसके मदद से हमारा पूरा पूरा एग्जिस्टेंस और हमारी मेमोरीज एक साथ गायब हो जाए। तो वो बोलते कि हाँ ऐसा गेम तो हो सकता है। उसके बाद वो बोलते कि तुम यहाँ पे डिटेक्ट करो कि यहाँ पे कहीं पे मैजिक है क्या। तो हमारी पिंक गर्ल अपने पंख को बाहर निकालती है और वो चेक करती है कि यहाँ पे कहीं मैजिक यूज हो रहा है। तो उसको उसके पंख में फील होता है कि हाँ यहाँ पे मैजिक के ट्रेसेस होते हैं। फिर ये लोग भागते हैं ढूंढने के लिए मैजिक के ट्रेस, लेकिन तभी हमारी स्टेफ फिसल के गिर जाती है और उसको दिखता है कि उसके पैर के पास 3-4 चिप होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाले। तो ये देख के हमारी शीरो बोलती है कि लगता है कि हम लोग अभी भी गेम के अंदर है। फिर वो बैठती है और बोलती है कि मुझे ये गेम कंटिन्यू करना पड़ेगा जो मेरे भाई ने शुरू किया था। ऐसा बैठ के वो सोच रही होती है कि उसे क्या खेलना चाहिए और कौन सा गेम खेलना चाहिए। तभी उसे धीरे धीरे हल्के हल्के याद आता है कि कैसे वो और उसका भाई बैठ के ये गेम पर्दे वाली लड़की के साथ खेल रहे थे और उसमें स्टार्टिंग में उसका भाई हार रहा था और एंड में वो हार जाता है ऑलमोस्ट से और वो अपने आप को एग्जिस्टेंस से घुमा देता है। लेकिन फिर भी वो गेम खत्म नहीं होता क्योंकि ये गेम में वो दोनों मिलकर खेल रहे थे और सामने जो हमारी पर्दे वाली बंदी होती है वो भी शॉक होती है गेम खत्म क्यों नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि शायद से अभी इस गेम को कंटिन्यू करना पड़ेगा शीरो को। तो फिर शीरो बैठती है, वो सोचती है उसे नेक्स्ट मूव क्या करना है और वो उसका एक चिप नीचे रखती है और एक एक करके उसके भाई की सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आ रही होती है। वो ये गेम खेलती रहती है और अचानक से जैसे ही वो उसका फाइनल चिप नीचे रखती है वैसे उसके आसपास की दुनिया टूटने लगती है और ये सीन का एनिमेशन बहुत मस्त होता है जो ये फ्रीक्वेंसी से टूटता है हर एक चीज भाई मस्त रहता है ये। वेल इसके बाद उसका भाई वापस से यहाँ पे आता है और उसको देख के हमारी शीरो एकदम से खुश हो जाती है और वो अपने भाई को पकड़ती है और रोने लगती है। लेकिन इस वक्त जो हमारी पर्दे वाली गर्ल होती है उसकी मेमोरीज और तो और उसका एग्जिस्टेंस यहाँ से गायब हो चुका होता है। तो वो एक पपेट की तरह जमीन पे गिरी हुई होती है और हमारी एल्फ गर्ल उसके सामने भीख मांग रही होती है, बोलती है प्लीज तुम कुछ भी करो लेकिन मेरी इस लड़की को ठीक कर दो। तभी हमारा सोरा बोलता है कि जैसे कि मैं गेम जीत गया तो मैंने एक और रूल बनाया था जो मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हम लोग अपनी अपनी मेमोरी अपने पास रखेंगे और अपनी मेमोरी को भी एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे में। तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारी पर्दे वाली लड़की अभी ठीक हो जाएगी और वो ऑन द स्पॉट ठीक हो जाती है। तो इस वक्त सोरा के अंदर पर्दे वाली लड़की की सारी मेमोरीज है और पर्दे वाली लड़की के अंदर भी सोरा की सारी मेमोरीज है। तो इसीलिए पर्दे वाली लड़की सोरा को रश करती है क्योंकि उसे पता है कि सोरा असल में कैसा है। तो फिर वो बोलती है कि एल्फ गर्ल तुम इसकी बात मान सकती हो और ये जो भी कहेगा वैसा वैसा तुम करो, ये बंदा कुछ भी गलत चीज नहीं चाहता है। वेल फिर इसके बाद सोरा और तो और शीरो एक दूसरे को पकड़ते हैं और वो दोनों पकड़ के बहुत रो रहे होते हैं। सेम टू सेम हमारी पर्पल गर्ल ये पर्दे वाली गर्ल और तो और एल्फ गर्ल भी एक दूसरे को पकड़े बहुत रोते हैं कि बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे बहुत दूर हो गए थे, मुझे बहुत बुरा लगा वगैरह वगैरह, ऐसे लोग रो रहे होते हैं। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे इसके कैसल के बाहर सब लोग झगड़ा और दंगे फसाद कर रहे होते कि भाई तुमने हमारे रेस को दांव पे क्यों लगा दिया। मीनवाइल हमारा सोरा अंदर बैठ के सबके साथ प्लानिंग कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैंने पर्दे वाली गर्ल तुम्हें और तो और हमारी एल्फ गर्ल को यहाँ पे इसीलिए लाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए जासूस बन के जासूसी वाला काम करो और इन लोग के ऊपर ध्यान दो कि ये लोग यहाँ पे कोई चीटिंग न कर पाए न कोई मैजिक यूज कर पाए। वेल तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। तो हमारी जो पर्दे वाली गर्ल होती है वो उसका नाम बताती है, बोलती है कि उसका नाम है कुरुमी जीली। वेल लेकिन उसी वक्त हमारा सोरा ऑन द स्पॉट कुरुमी की सारी बातें सबके सामने बोलने लगता है क्योंकि उसके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि उसको उसकी मेमोरी मिल चुकी होती है। तो वो उसको चुप कराती है। मीनवाइल हमारी एल्फ गर्ल हमारी पिंक गर्ल के साथ झगड़ा करना स्टार्ट करती है। वो बोलती है ये वही पिंक गर्ल है जिसने मेरे पूरे पूरे रेस के ऊपर हमला किया था हजारों साल पहले, तो मैं इस बंदी के साथ दोस्ती नहीं करने वाली हूँ। तो ये सब देख के हमारा जो सोरा और शीरो होते हैं वो लोग बोलते हैं पिंक गर्ल तुम इसके लिए गिल्टी हो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब हम तुम्हें पनिश करेंगे और तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम्हें एल्फ गर्ल को सॉरी बोलना है और उसके पैर छूने हैं। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। क्योंकि एल्फ गर्ल यहाँ पे कंडीशन रखती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगी जब तक ये पिंक गर्ल तुम्हारे साथ है और इन लोग को एल्फ गर्ल के मैजिक की जरूरत थी तो इन लोगों को ऐसा करना ही पड़ा। तो हमारी जो पिंक गर्ल होती है उसको अपने दिल पे पत्थर रख के ऐसा करना ही पड़ता है। वेल फिर यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल एक और जोजोस का रेफरेंस मारती है और वो जीत चुकी होती है इसके सामने। वेल फिर इसके बाद हमारी स्टीफान बोलती है कि इस पर्दे वाली लड़की ने मुझे चीटिंग करके हराया था, ये बात मुझे पता है, लेकिन इसका किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं पुरानी बात हो चुकी है, तुम्हें इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। वेल इसके बाद एल्फ गर्ल और तो और हमारी पर्दे वाली गर्ल अपना बैक स्टोरी हमको सुनाते हैं जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी पर्दे वाली गर्ल थी वो असल में एल्फ गर्ल की एक स्लेव बन के रह रही थी, लेकिन एल्फ गर्ल को बहुत ज्यादा ही पसंद थी इसीलिए एल्फ गर्ल ने उसे अपना दोस्त बना लिया और ये लोग एल्फ वाले किंगडम में साथ में रहते थे। तब से ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये लोग हमेशा साथ में ही रहना चाहते हैं। और जो हमारी एल्फ गर्ल है वो हमारी पर्दे वाली लड़की के लिए अपने पूरे पूरे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है क्योंकि वो वहाँ की एक प्रिंसेस भी है। उसके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी पर्दे वाली लड़की को हमेशा खुश रहना चाहिए, वो कभी उसको रोता हुआ नहीं देख सकती है। तभी हमारा सोरा बोलता है कि हमें तो अभी भी याद है कैसे जब तुम हमसे वो गेम हारी थी तब तुम रो रही थी। तो ये देख के पर्दे वाली गर्ल को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। वेल फिर इसके बाद ये लोग वॉर बीस्ट वालों के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि पिछले 50 साल में वो लोग थर्ड रैंक पे पहुंच चुके हैं और वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हम लोग उन्हें कैसे हराएंगे, क्या तुम्हें कुछ आइडिया भी है। तो सोरा बोलता है कि उनको हराने के लिए ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को इसे एक इंपॉर्टेंट जगह पे करना चाहिए। तो सब लोग बोलते हैं कौन सी जगह, तो वो बोलता है ऑफ कोर्स बाथरूम में नहाते हुए। हमारे जापान में ये रिचुअल है कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो सब लोग बाथरूम में एक बड़े से टब के अंदर सब लोग एक साथ बैठ के नहाते हुए डिस्कस करते हैं। तो ये सुनकर तो हमारी पर्दे वाली गर्ल बोलती है कि नहीं 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 तुम डेफिनेटली कुछ गंदा काम करने वाले हो इसलिए तो हम हमारे साथ ऐसे कर रहे हो, लेकिन हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि हाँ हमें चलेगा हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तो यहाँ पे सब लोग नहा रहे होते हैं, ऑफ कोर्स ये सब सीन्स मोस्टली ब्लर होने
वाले हैं आप लोग को ये देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि YouTube इस वीडियो को डिलीट कर दे या डिमोनेटाइज कर दे। वेल, यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत सीन होते हैं जो कि प्लॉट के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ किसी और प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वेल, उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये सब लोग अपने नेक्स्ट प्लान को प्लान कर रहे होते हैं। उसी वक्त सोरा और शीरो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं चीजों के बारे में कि वो लोग कैसे वॉरबीच के ऊपर हमला करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पर्दे वाली गर्ल आके इनसे पूछते हैं कि तुमने ये पिंक गर्ल को हराया कैसे, तो वो लोग उसको पूरी स्टोरी बताते हैं। फिर हमारी पर्दे वाली गर्ल को भी थोड़ा सा अपना बैक स्टोरी याद आता है कि कैसे वो और वो एल्फ गर्ल दोस्त बन के रह रहे हैं, बस यही सब वो लोग सोचते रहते हैं। फिर पर्दे वाली गर्ल थोड़ा सा मस्ती करती है हमारे सोरा के साथ और वो वहां से निकल लेती है। फिर हमें दिखाते हैं कि अगले दिन ये लोग निकलते हैं इनके वॉर के लिए जो कि होता है वॉर बीच के साथ। जैसे ये लोग मेन गेट के बाहर निकलते हैं सब लोग इनके ऊपर भड़के हुए रहते हैं, लेकिन हमारी पिंक गर्ल इनके रथ के ऊपर बैठती है, अपने विंग्स को खोलती है और सब लोग इनको देख के दूर हट जाते हैं। फिर ये लोग चलते रहते हैं इनके जगह पे, तभी ये लोग बोलते हैं कि पापा के लोग हट क्यों गए। तो फिर सोरा बोलते हैं वो लोग इसीलिए हटे क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उनकी सारी की सारी उम्मीद मैं ही हूँ। मीनवाइल यहाँ पे वॉर बीच के क्लैन वाले लोग भी रेडी होते हैं उनके फाइट के लिए। फिर वॉर बीच के क्लैन के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे होते हैं इनका मैच स्टार्ट होने का। तभी हमारी स्टीफान बोलती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो वो यहाँ से निकलना चाहती है, असल में वो एक बहाना दे रही होती है। तो फिर हमारा सोरा बोलता है कि देखो स्टीफान, मैं तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट काम तुम्हें देने वाला हूँ। और वो क्या है, जैसे वो ऐसा बोलता है वैसे सीन कट होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम होता है और सब लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं इन लोग का मैच। और यहाँ पे इन लोग को बैठना होता है एक कुर्सी के अंदर जो कि एक वीआर वाली कुर्सी होती है। सब लोग इसके अंदर बैठते हैं, अशेंटे बोलते हैं, और तभी हमारा जो ये दादाजी होता है वो इनको बोलता है कि तुम्हें गेम्स का रूल गेम के अंदर पहुंचने के बाद ही मालूम पड़ेगा, तब तक तुम लोग रेडी हो जाओ और बैठ जाओ इसके अंदर। तो एक एक करके सब लोग रेडी होते हैं, यहाँ पे बातें सुन रहे होते हैं मैच के बारे में कि मैच में क्या क्या होगा। तो वो बोलता है कि देखो ये मैच खत्म होने के बाद हम लोग तुम्हारी मेमोरी को वाइपआउट कर देंगे अगर तुम लोग हार गए तो, और हाँ तुमने इस गेम में लगाया है अपने पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को दांव पे और तुम्हारे रेस पीस को भी। वेल, अब तुम पीछा मत करना, अब तुम अगर हार गए तो तुम हार गए और तुम्हारी ह्यूमन रेस हार जाएगी, ठीक है, अब तुम लोग बैठ के रेडी हो सकते हो। ऐसा बोल के वो सब लोग को बोलता है रेडी होने के लिए। फिर गेम स्टार्ट होने के पहले सोरा और शीरो अपना हाथ पकड़ते हैं और वो लोग बैठ जाते हैं और हमारी स्टीफान टेंशन में होती है। उसके बाद वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। मीनवाइल हमारी जो पर्दे वाली गर्ल होती है वो दूर से इन लोग के ऊपर ध्यान दे रही होती है और हमारी एल्फ इनके टावर के ऊपर बैठ के अपना मैजिक को डिटेक्ट कर रही होती है कि कोई मैजिक से चिटचिटिंग ना करे। तभी सोरा इनको बोलता है कि देखो मैंने यहाँ पे इतने सारे लोगों को गुस्सा इसीलिए दिलाया ताकि यहाँ पे सब लोग आके बैठे और इस मैच को गुस्से में देखे। अब उन लोग को पता है कि उनकी आखिरी उम्मीद मैं ही हूँ, तो इस वजह से ये जो हमारे वुल्फ लोग है ये लोग यहाँ पे चिटिंग नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इनको देख रहे हैं, तो चिटिंग करने से पहले इनको 100 बार सोचना पड़ेगा। वेल, फिर इसके बाद सब लोग टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं और उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि इनकी पूरी बॉडी ग्लो हो रही होती है। तो क्या इनके पूरे कपड़े भी चेंज होने वाले हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वेल, उसके बाद ये लोग टेलीपोर्ट होते हैं टोक्यो सिटी के अंदर। यहाँ पे स्टीफान और तो और हमारी पिंक गर्ल एकदम से कंफ्यूज होते हैं, वो लोग बोलते हैं ये कौन सी जगह है, लेकिन हमारे सोरा और शीरो इन लोग की तो हवा टाइट हो चुकी होती है क्योंकि इन लोगों को इनके रूम से बाहर जापान में पहुंचा दिया गया है और ये लोग यहाँ पे एकदम से तड़प रहे होते हैं। ये लोग बोलते हैं सॉरी मुझे माफ कर दो, लेकिन ह्यूमैनिटी तो गई, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ओ भाई, अब तो बहुत मजा आने वाला है। फिर इसके बाद अगले सीन में हमारा जो वुल्फी बॉय होता है वो सब लोग को इंस्ट्रक्शन देता है। वो बोलता है कि तुम एक रेप्लिका वाले वर्ल्ड में हो, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ये असली वर्ल्ड नहीं है, इसके अंदर तुम्हारा 1x1 कॉपी है ये टोक्यो सिटी का। तो ये सुन के हमारे सोरा को वापस से उसकी एनर्जी आ जाती है। वो बोलता है अगर ये रेप्लिका वाला वर्ल्ड है वर्चुअल वर्ल्ड है तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे बस रियल वर्ल्ड से प्रॉब्लम है। फिर वो अपनी बहन को भी उठाता है। फिर उसके बाद हमारा वुल्फी बॉय इन लोग को इंस्ट्रक्शन देता है कि इनको गेम कैसे खेलना है। वो इन लोग के सामने एक गन लेके आता है जिसमें से हार्ट शेप के बुलेट बाहर निकलते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें बस ये गन लेके अपने एनिमी के ऊपर मारना है, तुम जैसे ही एनिमी को ये गन से मारोगे तो वो एनिमी तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा और तुम्हें लव पॉइंट्स मिलेंगे। तुम्हारे पास जितने लव पॉइंट्स होंगे उतना तुम ऊपर आओगे और एंड में जो बंदा अपने एनिमी को अपने लव गन से मार के उसके ऊपर लव पॉइंट डाल देगा वो बंदा जीत जाएगा। बस बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ इसमें थोड़े बहुत चेंजेस और भी है। वो बोलता है कि अगर तुम इसमें मैजिक यूज करने लगोगे तो यहाँ पे तुम मैजिक का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। फिर उसके बाद तुम जितना गोली मारोगे उतना तुम्हारी गोली भी खत्म होती रहेगी, लेकिन तुम गोली को वापस से रिलोड कर सकते हो बगैर किसी प्रॉब्लम के अगर तुमने सारे के सारे एनपीसी को मारा है और वो लोग तुम्हारे प्यार में पागल हो रहे हैं। लेकिन अगर एनपीसी तुम्हारे पास आ गए और उन लोगों ने तुम्हें टच करना स्टार्ट किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म होने लगेगी और जैसे तुम्हारी गोली जीरो हो जाएगी तुम हार जाओगे और तुम्हारा लव गन काम करना बंद कर देगा। वेल, ये सब बात करते करते हमारे हीरोज यहां से भाग रहे होते हैं और मल्टीपल लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त शीरो एक गोली मारती है जिब्रिल को जो कि हमारी पिंगल होती है। लेकिन यहां पे असल में उल्टा होता है, जिब्रिल असल में शीरो के ऊपर गोली मारती है और वो खुश होती है कि शीरो उससे प्यार करे, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद उसके ऊपर से असर निकल जाता है। वेल, यहां पे ये लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सोरा एक गोली मारता है हमारी स्टीफान को, तो स्टीफान उसके पारे पागल होकर उसके बाद भाग रही होती है। तो उसके बाद सोरा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करता है और वो उसको बोलता है तुम जमीन के ऊपर बंदूक रख के उसको गोली मारो। तो जैसे वो जमीन पे गोली मारती है तो गोली टप्पा खा के वापस से उसको लगती है। तो फिर स्टीफान खुद के प्यार में ही पागल हो जाती है, तो वो एक मिरर को देख के उसे चिपचिपक रही होती है। तो इसके साथ सोरा और शीरो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो लोग वहाँ पे स्टीफान को छोड़ के निकल लेते हैं। मीनवाइल हमारी पर्दे वाली गर्ल और एल्फ गर्ल यहाँ पे बैठ के मैजिक का ध्यान दे रहे होते हैं और जो इनकी एनिमी होती है ये छोटी कैट गर्ल ये यहाँ पे घूम रही होती है सारी की सारी एनपीसी के साथ और वो
उनको गोली मार मार के धड़ाधड़ अपने प्यार में पागल कर रही होती है। तो इसका ये मतलब है कि ये इस गेम में बहुत अच्छी है। मीनवाइल यहाँ पे सोरा थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन अपने कर रहा होता है लोगों के कपड़ों के ऊपर हमला करके, और वो चेक कर रहा होता है कि लोगों के कपड़े गायब होंगे कि नहीं। लेकिन नहीं, इधर सिर्फ लोगों के कपड़े ही नहीं, लोग पूरी तरह से गायब हो जाते हैं अगर उनके ऊपर गोली पड़ गई तो। वेल मीनवाइल शीरो और सोरा इस गेम में बहुत मजे ले रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो छोटी कैट गर्ल होती है वो इस गेम को एकदम सीरियसली खेल रही होती है और वो टेंशन में होती है। फिर वो एक जगह बैठ के फोकस कर रही होती है तो उसको किसी के फुटप्रिंट्स सुनाई देते हैं और ये किसी और के नहीं शीरो के होते हैं। शीरो यहाँ पे आती है और वो इसके बंदूक के गोली के ऊपर अपनी गोली मार के उनको ठोक ठोक के कैंसिल आउट कर रही होती है। और ये सीन देख के इसको बहुत शॉक लगता है कि भाई ये बंदी इतना अच्छा कैसे खेल पा रही है। यहाँ पे इनकी फाइट चलती रहती है और शीरो लिटरली इस कैट गर्ल को डिस्ट्रॉय कर रही होती है उसके अपने गेम में। कैट गर्ल अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रही होती है और वो जंप मार के बाहर निकल लेती है, लेकिन वो हवा में गिर रही होती है। उसी वक्त वहाँ पे आती है पिंक गर्ल और वो स्माइल करके बोलती है अब तुम कहीं नहीं जा सकती। लेकिन कैट गर्ल उसको हराने के लिए एक गैस वाला बबल फेंकती है और हमारी पिंक गर्ल इस वक्त उड़ नहीं पाती। तो फिर सोरा दूर खड़ा होकर उनके ऊपर गोली मार ही रहा होता है कि वो गोली मिस्टेक से लग जाती है किसी और को और वहां से निकल लेती है। तभी सोरा देखता है कि वो जो कैट गर्ल होती है उसने मिड एयर में इस गोली को डॉच किया होता है। तो वो बोलता है कि भाई ये कैट गर्ल तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये गोली अभी लग चुकी है पिंक गर्ल को। मीनवाइल हमारी एल्फ गर्ल इसके पूरे पूरे मूवमेंट को डिड्यूस कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि हवा में भी इतना तेज कैसे उड़ सकती है और चेंज कर सकती है अपना डायरेक्शन। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे शीरो की हवा टाइट हो चुकी होती है क्योंकि वो बहुत भाग भाग के थक गई होती है। तभी हमारी पर्दे वाली गर्ल बोलती है कि ये लोग डेफिनेटली चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारे वुल्फी बॉय होता है वो इस कैट गर्ल के साथ बात कर पा रहा होता है इस दुनिया के अंदर। तो वो कैट गर्ल को इंस्ट्रक्शन देता है तो कैट गर्ल बराबर जगह पे पहुंचती है और इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आती है। फिर ऐसे ही रात का टाइम होता है और हमारे तीनों के तीनों हीरोज एक पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त शीरो अपना पूरा पूरा मैथ्स यूज कर रही होती है और वो हर एक चीज को डेड्यूस कर रही होती है कि वो कहां से क्या करेगी और कैसे इस चीज को सॉल्व करेगी। मीनवाइल यहाँ पे स्टीफन आके इन लोग के ऊपर हमला करने वाली होती है। तो भाई सोरा आराम से उसे गोली मार के उसके सारे के सारे कपड़ों को गायब कर देता है और लास्ट गोली जिब्रेल मारती है इसे। तो इसीलिए स्टीफन जिब्रेल के प्यार में पागल हो जाती है। मीनवाइल जो हमारी कैट गर्ल होती है वो बोलती है कि मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ, क्या मुझे मजा आ रहा है इस गेम में, पहली बार ऐसा हो रहा है। हमें फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि शीरो ने यहाँ पे पूरी जमीन के ऊपर इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें लिख दी होती है कि भाई तुम इसके अंदर पूरी दुनिया के हिस्ट्री को भी ढूंढ सकते हो, इतना कुछ लिख लिया होता है यहाँ पे। पर एंड में वो बोलती है कि मुझे नहीं पता अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं बस ये चाहूंगी कि मेरे भाई तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। ऐसा बोल के वो एंड के इक्वेशन को ब्लैंक छोड़ देती है। उसके बाद उसके ऊपर गोली पड़ती है और शीरो अपने भाई को बचाने के लिए आगे कूदती है और गोली उसे पड़ जाती है। फिर शीरो पहुंच जाती है कैट गर्ल के प्यार में। उसके बाद शीरो हमला करती है सोरा के ऊपर, लेकिन हमारी पिंक गर्ल सोरा को लेके वहां से भाग जाती है। तभी सोरा बोलता है कि नहीं, मेरी बहन ने लास्ट इक्वेशन को ब्लैंक छोड़ा, इसका ये मतलब है कि वो हर एक चीज मेरे ऊपर छोड़ रही है। तो इसका ये मतलब है कि उसने जानबूझ के वो आउट हुई है उस बंदी से ताकि वो उसके प्यार में पागल हो और वो मेरे ऊपर हमला करे, ये भी उसके प्लान का ही हिस्सा है ऐसा मुझे लग रहा है। वेल इसके बाद सोरा बोलता है कि पिंक गर्ल अब तुम पागल हो जाओ और जाओ उसके ऊपर हमला करो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूं। तो पिंक गर्ल जाती है और कैट गर्ल के पास जाके बोलती है कैट गर्ल अब मैं तुम्हें मेरी पूरी ताकत से हमला करने वाली हूं। ऐसा बोल के पिंक गर्ल रेडी होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और वो अपने पावर को अनलीश करती है। और दूसरी तरफ हमारा सोरा अपनी जान बचा के भाग रहा होता है शीरो से बच बच के। तो वो नोटिस करता है कि शीरो एकदम चल चल के आ रही होती है। तभी उसे स्ट्राइक होता है कि उसने स्टार्टिंग में शीरो को बोला होता है कि शीरो तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सिर्फ चलना है इस गेम के अंदर और भागना नहीं है। फिर ऐसे ही वो छत के ऊपर पहुंचता है और उसकी बहन उसके सामने आके खड़ी होती है। अब वो बोलता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं यहां से बचने का। तो भाग भाग के चाहता है शीरो के पास और उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करके शीरो को पकड़ता है और जंप मारता है बिल्डिंग के ऊपर से और बोलता है कि अब तुम मेरे से बच के नहीं भाग सकती हो। ऐसा बोल के वो उसको मिड एयर में गोली मारता है और उसको अपने प्यार में पागल कर देता है। लेकिन उसी वक्त इस मौके का इंतजार कर रही होती है हमारी कैट गर्ल। वो पीछे से जंप मारती है और वो गोली मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे असल में चीजें चेंज हो जाती है। शीरो ने यहाँ पे एक बॉम्ब फोड़ दिया होता है और वो रेडी होती है कैट गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर तभी हमारे वुल्फी बॉय को मालूम पड़ता है कि असल में शीरो पहले से ही बची हुई थी, वो कैट गर्ल के प्यार में पड़ी ही नहीं थी क्योंकि उसने कैट गर्ल की गोली को अपने गोली से पहले ब्लॉक कर दिया था। और इस वक्त सोरा ने जो उसको गोली मारी है वो उसने उसके अंडरवेयर मारी थी, इसीलिए उसकी अंडरवेयर आउट हो गई थी और वो नहीं। इस गेम में अंडरवेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। फिर इसके बाद शीरो गोली मारती है हमारी कैट गर्ल को, लेकिन कैट गर्ल उसको डिफ्लेक्ट करती है और वो ट्रांसफॉर्म होती है अपने अल्टीमेट फॉर्म में और ये उसका नया फॉर्म अनलॉक होता है। तो अब भाई इस फाइट में और मजा आने वाला है। और फिर अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो भाई इसके पास गॉड स्पीड आ जाता है, ये इतना तेज अटैक करने लगती है कि ये इन दोनों को जमीन पे फेंकती है और इनके ऊपर जंप मारती है। उसके बाद हमारी पर्दे वाली गर्ल को शॉक लगता है और मीनवाइल ये सब चीज एक येलो कलर की फॉक्स गर्ल देख रही होती है जिसने चश्मा पहन के रखा होता है। तो क्या इस एनिमे के अंदर भी एक फॉक्स गर्ल है? वेल अभी चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग होने वाली है शायद से। अगली तरफ हमें दिखाते हैं कि ये कैट गर्ल इस वक्त पूरा गुस्से में होती है और वो रेडी होती है लड़ने के लिए। तो हमारे दोनों के दोनों हीरोज अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन कैट गर्ल उनका पीछा कर रही होती है। वो हर जगह से एकदम टॉप स्पीड पे आती है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। ये दोनों यहाँ पे टेंशन में खड़े होते हैं और कैट गर्ल यहाँ पे एक प्रॉपर विलन की तरह दिख रही होती है। इन लोग को लगता है कि भाई इनका गेम अब खत्म हो गया, लेकिन कैट गर्ल इन दोनों के ऊपर दो गोलियां मारती है एकदम तेजी से। वो दोनों गोली साइड से निकलती है सोरा के, तो सोरा बोलता है कि मैं तीसरी गोली को ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन उसी वक्त कैट गर्ल ने यहाँ पे असल में
एक ही सेकंड में 4 गोली मारी होती है और ये दोनों गोलियां शीरो और सोरा को हेडशॉट पड़ता है फटाक। और उसके बाद ये दोनों यहाँ पे हार चुके होते हैं। तो क्या अब हम हमारे हीरोज हार गए? क्या ब्लैंक पहली बार हार गया? ओ भाई, अब तो पूरी स्टोरी ट्विस्ट हो चुकी है यार। तो इसके बाद हमारी कैट गर्ल बोलती है कि मैं जीत गई और वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को डाउन करती है और खुश होती है। लेकिन उसी वक्त उसको कहीं से गोली पड़ती है। वेट, व्हाट? और हमें मालूम पड़ता है कि असल में इसको गोली मारी होती है हमारी स्टीफान ने। ये बंदी जिसे हम सब गधी समझ रहे थे, ये किसी एक लड़की के ऊपर बैठ के आई है, आंखें बंद करके गोली मार रही है। ओ भाई, तभी हमारे दोनों हीरोज उठते और बोलते आह, हमारा प्लान आखिर कामयाब हुआ। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि जब शीरो ने गोली मारी होती है हमारी इस कैट गर्ल के ऊपर, तो वो गोली डिफ्लेक्ट होकर असल में पड़ चुकी होती है स्टीफान को, जो कि चल रही होती है एक लड़की के ऊपर बैठ के, और तब वो उसके प्यार में पड़ जाती है। फिर उसके बाद जो भी शीरो ने वहां पे लिखा होता है चीजें जमीन के ऊपर, उन सब में उसने ये सब पहले प्रिंट करके रखा होता है, और उसने हमारी स्टीफान को बोला होता है कि उसे पूरा टाइम अपनी आंखें बंद रखनी है, और ये सब चीज इन लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा होता है, और वो हर एक चीज भूल चुकी होती है क्योंकि उसने हर एक चीज पढ़ने के बाद भूल जाता रहा है, ऐसा उसने प्लेज लिया होता है। और इसी के साथ हमारे हीरो जीत गए होते हैं। आई मीन ये एंडिंग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और प्लॉट ट्विस्ट से भरा हुआ था। वेल, इसके बाद इनका गेम खत्म होता है और हमारा वुल्फी बॉय इन लोग को वापस से समन करता है इनके नॉर्मल वर्ल्ड में। तो जैसे ये लोग गेम वर्ल्ड के बाहर आने वाले होते हैं, तभी ये लोग सब लोग खुश होते हैं, अपने में सेलिब्रेट करते रहते हैं, बोलते कि अब हम लोग इस गेम वर्ल्ड से बाहर निकलने वाले हैं। तो जैसे ये लोग बाहर पहुंचते हैं, तो हमें दिखाते हैं कि यहां पे ये लोग बात करते हैं हमारी इस कैट गर्ल से, और उसको बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें बहुत मजा आया इस गेम में और हमने देखा ये चीज। लेकिन वो रोती और बोलती कि अब मेरे वैसे मेरी पूरी फैमिली खत्म होने वाली है, मेरे सब लोग मरने वाले हैं, ऐसे वो रो रही होती है। तभी सोरा उसको बोलते तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे फैमिली को नहीं मारने वाले हैं, हम लोग एक प्रॉपर फेडरेशन बिल्ड करेंगे और एक दूसरे का हेल्प करने वाले हैं। तो इसके बाद सारे के सारे ह्यूमैनिटी के लोग खुशी से पार्टी कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, और उसके बाद ये लोग भी आते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में, आई मीन इस दुनिया के वर्ल्ड में। फिर यहाँ पे वापस से मैंडेटरी नहाने का सी पार्ट होता ही है। ये वाला पार्ट में भी ये लोग सब नहा रहे होते हैं और हमारी शीरो इस कैट गर्ल के ऊपर बैठ के उसको अपने मुंह से रगड़ रही होती है उसके पूछ, और वो रही तुम्हारा पूछ बहुत सॉफ्ट है। वेल, इन सब चीजों को देख रहा होता है हमारा वुल्फी बॉय, जो कि इस वक्त एकदम मास्टर रोशी की तरह पफ अप होके बैठा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरी बेटी की तरफ नहीं देख सकते, ऐसा बोल के वो हमारे सोरा को पकड़ के रखता है। मीनवाइल यहाँ पे स्टीफान आती है और वो स्लिप होकर गिर जाती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक जगह पे एक येलो वाली फॉक्स गर्ल भी नहा रही होती है और इसने सिर्फ एक ही चश्मा पहन के रखा होता है। आई मीन इसका चश्मा आधा कैसे है? इसके एक आंख पे चश्मा है और ये चश्मा बैलेंस कैसे हो रहा है? और क्या ये लड़की नरूटो की सौतेली मॉम है, क्योंकि इसके मुंह से भी वो ये निकल रहे हैं जो बिल्लियों के होते हैं मूंछ? ये क्या हो रहा है भाई, नरूटो का रेफरेंस है क्या इसके अंदर? ओ भाई, स्टोरी में तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। मीनवाइल जब हमारे हीरोज इससे मिलते हैं, तो वो लोग पता नहीं कि उसके बहुत सारे फोटोज लेने लगते हैं। आई मीन मैं जानता हूँ कि ये लोग ठरकी तो है ही। वेल, इस लड़की से मिलने के बाद ये लोग बोलते हैं कि फॉक्स गर्ल तुमसे बात करके हमें अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह। फॉक्स गर्ल इनसे थोड़ा बात करती है वर्ल्ड के बारे में, बोलती है कि तुम्हारे पास ये जिब्रिल नाम की बंदी कैसे आई, ऐसे वैसे। फिर उसके बाद सोरा इसको एक और गेम के लिए चैलेंज करता है और बोलता है कि हम लोग एक गेम और खेलेंगे, जो कि होने वाला है ये कॉइन टॉस का गेम। अगर ये गेम मैं जीत गया तो तुम भी मेरे अंडर काम करोगी, और अगर हम ये हार गए तो तुम्हारा पूरी दुनिया तुम्हें वापस से मिल जाएगी। तो फॉक्स गर्ल बोलती है ठीक है। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हें हेड्स चाहिए कि टेल्स चाहिए? वो बोलती है कि तुम पहले कॉइन टॉस करो, फिर मैं बोलूंगी। तो सोरा कॉइन को टॉस करता है और उसी वक्त ये फॉक्स गर्ल अपनी पावर यूज करती है और पूरे वर्ल्ड को स्टॉप कर देती है, लाइक प्रॉपरली स्लो करती है पूरे वर्ल्ड को। फिर वो उस कॉइन के ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करती है, उसको स्टडी करती है, उसके ऊपर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चीज लगाती है और बोलती है कि इस तरह से गिरने वाला है, मुझे लगता है कि टेल्स आने वाला है। लेकिन जैसे ही कॉइन गिरता है तो वो एक छेद में आके अटक जाता है और वो कॉइन खड़ा हो जाता है। तो ये देख के उसको शॉक लगता है और सोरा बोलता है कि ये ड्रॉ हो गया। तो इसका ये मतलब है कि या तो हम दोनों के दोनों जीत गए या तो दोनों के दोनों हार गए। अगर हम दोनों जीत गए तो इसका ये मतलब होगा कि तुम तुम्हारे कंट्री को तुम्हारे पास रख सकती हो और हम भी हमारे कंट्री को हमारे पास रख सकते हैं, लेकिन हम दोनों के कंट्री के बीच में एक अच्छी खासी दोस्ती होने वाली है और तुम तुम्हारी कंट्री के ऊपर राज करोगे, लेकिन हमारा राज तुम्हारे ऊपर होगा एज अ फ्रेंडली नेशन। लेकिन अगर हम दोनों हार गए तो दोनों की कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलते मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे चिटिंग, तुमने अपने पैर से कॉइन को पीछे करके रोक दिया था, है ना? तो वो बोलता है हाँ, लेकिन डिसाइड तो करो। तो वो बोलती है ठीक है, हम दोनों जीत गए, अब दोनों की कंट्री एक साथ मर्ज हो जाएगी। वेल, तो सोरा बोलता है कि यस, मेरा सपना फॉक्स गर्ल, कैट गर्ल, हर एक गर्ल को पाने का पूरा हो चुका है। फिर इसके बाद ये फॉक्स गर्ल यहाँ से आगे निकलती है और इन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान देती है एल्फ नेशन के बारे में, हर एक नेशन के बारे में। फिर तभी हमारा हीरो बोलता है कि हम लोग असल में गॉड को चैलेंज करने वाले हैं, टेट को, और उसके लिए हम लोग को हर एक रेस पीस चाहिए। फिर इसके बाद अगले सीन में ये लोग ऐसे ही छत के ऊपर बैठ के इस वर्ल्ड को देख रहे होते हैं, टेट के बारे में बात कर रहे होते हैं और गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि असल में टेट ये नहीं चाहता कि मैं सब रेस के ऊपर कॉन्कर करूं और उन लोग को अपने अंडर लेके आऊं, वो ये चाहता है कि मैं सब रेस के साथ दोस्ती करूं और पूरे 16 के 16 रेसेस को और उनके चेस पीस को मैं इस बोर्ड पे लेके आऊं, क्योंकि चेस में भी 16 पीसेस होते हैं और वही वो चाहता है कि हम 16 रेसेस एक साथ मिलके उससे फाइट करें, और जो भी ये रेस जीतेगा वो ये फाइट जीतने के बाद एक नया गॉड बन सकता है, और अब मेरा प्लान ये है कि मुझे यहां का गॉड बनना है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं गॉड्स के बारे में, इसके पूरे विजडम के बारे में, और ये वर्ल्ड में टेट ऊपर बैठ के मजे कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा सोरा, क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मुझे चैलेंज कर सकते हो। वेल, फिर इसके बाद ये लोग चलाते हैं एंड क्रेडिट सीन, जहां पे हमारी पर्दे वाली गर्ल अपनी एल्फ गर्ल के साथ बात कर रही होती है। इन लोगों को थोड़ा बहुत फ्लैशबैक मिलता है इनके पूरे सीन
का। एल्फ गर्ल और पर्दे वाली गर्ल अपने खुद के प्यार में रहती है, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सोरा सब कुछ खत्म होने के पहले इसको बोलता है कि ओए फॉक्स गर्ल, चल उसे समन कर, मैं जानता हूँ कि तू किसकी बात कर रही है, तू भी तो एक सेंट प्रिंसेस है ना, तो तुझे पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा तो तुम एक गॉड लेवल के बींग को चैलेंज करना चाहते हो, ठीक है मैं समन करती हूँ उसे। ऐसा बोल के वो अपने पावर को एक्टिवेट करती है और आसमान में से अटैक होना स्टार्ट होता है और फिर आता है डिवाइन कोर मैनिफेस्टेशन, ऐसा वो बोलती है। और फिर कोई तो भी एक ऊपर से एंटिटी नीचे आता है जो होता है एक्सीडेड रैंक 1 ओल्ड ड्यूस। और इसको देख के तो भाई सबकी हवा टाइट होती है और ये बंदा समन होता है, लेकिन ये कौन होता है ये लोग हमें नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये कवर होगा सीजन 2 में। तो अगर आपको इसका सीजन 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। इस एनिमे का सीजन 2 अब तक रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही सीजन 2 रिलीज होगा वैसे ही मैं उसे चैनल पे कवर करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरे दोस्त बस इतना ही, मेरा नाम है सास भट्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।